Very, very good evening. हेलो, आई एम डॉक्टर ज्योत्सना एंड आज हम पढ़ने वाले बच्चे एनिमल किंगडम हवा चैप्टर. सी, फॉर निमोनिक्स आई विल टेल यू. एनिमल किंगडम में इतने निमोनिक्स हो जाएंगे कि एनिमल किंगडम भूल जाओगे और सिर्फ निमोनिक्स याद रखोगे. कोई फायदा नहीं है. ठीक है. माई पर्सनल एडवाइस, आई नेवर टेल टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स बाय न्यूमेनिक, स्पेशली फॉर एनिमल किंगडम. दे आर सो मैनी, यू विल मिक्स देम अप. रादर बेटर ये रहेगा, ट्राई टू कुक अप स्टोरीज ऑन पर्सनल लेवल, प्लस रिमेंबर द ऑर्गेनिज्म जिसका डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आएगा या फिर जिसका नाम डायग्राम में लिखा है वही आएगा. Is this thing clear? Yes, we are going to do one time thorough NCERT reading. But before I start with my lecture, बहुत सारे बच्चों का मैं पढ़ लूँ कि हम ये चैप्टर पढ़ नहीं पाए थे, हमने मिस कर दिया था. देखो, जो ये मिस करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो मत करो. We have been saying for consistently, at least ये lectures miss नहीं करो. You all know we have a 90 days plan, है ना? Don't miss any lecture. At least try to come every day at 6. If not, view this lecture at your convenient time. Don't miss these lectures if you really, really want to crack NEET this time. If you really want to increase your score, I can promise you, if you come every day at 6 and you practice questions with us every next day at 8, sure, you will have 200 marks plus. Maybe 3, maybe 4. Totally depends, आप कितना effort डालते हो. जितने consistent आप रहोगे, जितना आप practice करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है. I'll quickly show you the schedule. This is the schedule जिसका link है description में. This is the test series where we have 10 topic wise test shortly coming up. अभी 5 full length test. अगर यू वॉन्ट टू स्कोर गुड, प्लीज 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 अटेंड लेक्चर्स, डू क्वेश्चन, अटेम्प्ट टेस्ट. जितना आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, उतना अच्छे से पता लगेगा. ऑल ऑफ यू नो, जिन्होंने हमारे साथ क्लास अटेंड की है प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बाद क्वेश्चन आंसर्स, दे वुड नो इट बेटर कि सिर्फ थ्योरी पता होना, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है. एंड आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप अपने आप को टेस्टिंग सिचुएशन में डाल के देखोगे नहीं, तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आपको किस पे वर्क करना है. तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड. वो आपको तभी आएगा जब आप अपने आप को टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, राइट? एंड फॉर एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न. तो सबसे पहले तो अटेंड करें लेक्चर, है ना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और टेस्ट दें. द डिस्क्रिप्शन फॉर सब्सक्रिप्शन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ओनली. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम गोइंग टू क्विकली स्टार्ट विथ चैप्टर. पांच छोटी छोटी चीजें विच आई वॉन्ट टू टेल यू. ठीक है, पहली तो ये कि बीच बीच में आई विल नॉट सी माई चैट बॉक्स, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाएगा. मेरे पास डेढ़ घंटा है, 7:30 आई हैव टू फिनिश दिस, मैक्स 7:40. थोड़ा लंबा चैप्टर है, हो सकता है खिंच जाए, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट अप. सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आते हैं सब एग्जाम्पल बेस्ड है. कोई मुझसे ये दोबारा मत पूछना, मैम एग्जाम्पल के साइंटिफिक नेम याद करने हैं, करने हैं. सारी इमेजेस याद करनी है, करनी है. एनसीईआरटी में एक एक एग्जाम्पल, एक एक डायग्राम आपको रट लेना है. फोटो छप जानी चाहिए दिमाग में कि अच्छा ये तो ये वाला ऑर्गेनिज्म है, उसी पे क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा.
ज्यादा नहीं करो, अगर कोई एक आधा है भी तो आई एम गोइंग टू मेंशन इट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। थर्ड, एनिमल किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। आपको क्राइटेरिया पता होने चाहिए। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है, किसके पास सीलोम नहीं है, किसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, किसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके पास सेलुलर लेवल है, सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम, एक्सक्रीशन किससे होती है, सर्कुलेशन किससे होती है, रेस्पिरेशन किससे होती है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। और आपसे पूछ लिया जाएगा किनके पास ये सारा फीचर कॉमन है, चार लोग दिए होंगे, यू हैव टू चूज। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू नो द क्राइटेरिया, ठीक है, एंड देन 1, 1, 2, 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर ईच फाइलम और क्लास दैट वी नीड टू रीड। तो प्लीज प्लीज क्राइटेरिया को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस देना, और हर फाइलम जब पढ़ते हो तो उसके क्राइटेरिया पे सबसे ज्यादा जोर देना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। 80% क्वेश्चंस ऑफ एनिमल किंगडम कम फ्रॉम क्राइटेरिया बेस्ड एग्जाम्पल, फाइलम, क्लास, ऐसे ही आते, ठीक है। लास्ट थिंग, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वी गोना टेक अप एट द एंड ऑफ द सेशन टिल 8 o'clock। इफ वी फिनिश द लेक्चर एट 7:40, तो 7:40 से 8 हम सारे डाउट्स लेंगे। बीच में प्लीज अवॉइड आस्किंग डाउट्स, आई मे नॉट बी एबल टू आंसर, तो प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट क्विक, आई क्विक एक आपके नोट्स और एनसीईआरटी के बीच में आई कीप फ्लिपिंग, ठीक है। आई हैव मार्क्ड इंपॉर्टेंट लाइंस एंड स्टेटमेंट्स जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम मार्किंग। जहां पे इंपॉर्टेंस ज्यादा बतानी होगी आई हाईलाइट के साथ साथ लिख भी दूंगी। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो चार फीचर्स हैं आपको मालूम होने चाहिए, कि बॉडी सिमेट्री कितने टाइप की होती है, सीलोम कितने टाइप का होता है, सेल का अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की सेलुलर अरेंजमेंट है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ये सबका मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपके जितने भी डिफरेंट टाइप के बॉडी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं, सर्कुलेटरी के क्या टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेटरी के क्या टाइप्स होते हैं, एक्सक्रीटरी के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, 90% क्वेश्चंस तो यही आते हैं, फ्लेम सेल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, आपके इकाइनोडर्म्स किससे एक्सक्रीशन करते हैं, आपके पास किन के पास किडनी फॉर एक्सक्रीशन होती है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर एवरी फाइलम यू मस्ट नो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स क्विकली हैव अ लुक कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आता है, बेटा स्पॉन्जेस, कि सेलुलर लेवल, सेल एग्रीगेट लेवल किसके पास है, टिश्यू लेवल आपका निडेरिया के पास है, ऑर्गन लेवल आपका प्लाटी हेलमेंट्स के पास है, एंड फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, तो अगर कभी मेंशन कर भी दिया जाए कि प्लाटी हेलमेंट्स के पास ऑर्गन सिस्टम है तो वो गलत नहीं होगा। तो प्लीज चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अगर वहां पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट आ रहा है विद ऑर्गन सिस्टम, मोर देन 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो प्लीज चूज प्लाटी हेलमेंट्स ऑल्सो एज ऑर्गन सिस्टम। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो प्लाटी हेलमेंट्स आपके एस्के हेलमेंट्स, एनालीड्स, आर्थ्रोपोडा, ये सबको आप ऑर्गन सिस्टम लेवल में कर सकते हो। इज दिस थिंग अंडरस्टूड, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपको एटलीस्ट टाइप्स मालूम होने चाहिए कि वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू अ क्विक नोट ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स फॉर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप यू कैन अप्रिशिएट द नोट्स, ठीक है। आपको सिस्टम्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जानने के लिए पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट जब उसके पास 2 ओपनिंग हो, माउथ और एनस। इनकम्प्लीट जब एक ही ओपनिंग हो, वहीं से एंट्री हो रही है, वहीं से एग्जिट हो रही है, वैसे वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट बोलते हैं, ब्लाइंड। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यूटेनियस तब होता है जब स्किन से होती है, ट्रेकियल तब होता है जब ट्यूब से होती है। ट्रेकियल क्लासिकली इंसेक्ट्स में देखा जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, स्टार क्वेश्चन मार्क, किनके पास ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है, ट्यूब से कौन रेस्पायर करता है। ब्रिंकियल गिल्स वाला, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसेक्टा इज ओनली वन ऑफ द क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा,
आर्थ्रोपोडा बुक गिल से भी करते हैं, बुक लंग से भी करते हैं, ट्रेकिया से भी करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में आपको बहुत सारे तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में देखने को मिलेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। देन गिल्स से और कौन कौन रिस्पायर करते हैं, जितने भी एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं वो गिल्स से रिस्पायर करते हैं। ब्रेंकियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोलस्का में गिल्स कहाँ पाए जाते हैं, स्टार क्वेश्चन मार्क। मोलस्का में गिल्स आपकी मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी लंग्स, जिससे हम लंग्स से रिस्पायर करते हैं, सबसे पहले आपको फिशेज में देखने को मिलते हैं, देन यू गो टू योर एम्फीबियंस, देन फिशेज के बाद लंग। फिशेज आपकी पहली ऐसी फिशेज है जिनमें लंग देखे जाते हैं, जो कनेक्टिंग लिंक की तरह भी एक्ट करती हैं बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये तो हो गया आपकी डाइजेशन और रेस्पिरेशन। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन क्लोज। क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्लोज किस में देखा गया, एनेलिड्स में। उसमें होता क्या है कि ना तो ब्लड कभी भी टिश्यू से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, ना ही कोई ऐसी बॉडी कैविटी में जिसमें ब्लड फैला होता है। जब ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, ब्लड सिर्फ क्लोज सिस्टम में फ्लो करे, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फर्स्ट टाइम किस में देखा गया था, एनेलिड्स में। फिर ओपन किस किस में देखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा में ओपन है। देखो मोलस्का में आपको ओपन भी मिलेगा, क्लोज भी मिलेगा। और जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, ब्लड पढ़ते हो, बॉडी सर्कुलेटिंग फ्लूइड पढ़ते हो, तो तीन क्वेश्चन आपको पक्के पक्के पता होने चाहिए, बहुत बार रिपीट होता है। एक, कि अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है अर्थवर्म के पास, तो उसका ब्लड कैसा है या फ्लूइड कैसा है, रेड है या कलरलेस है, रेड किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी में या फिर प्लाज्मा में, स्टार क्वेश्चन मार्क। हीमोग्लोबिन ऑफ अर्थवर्म इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, नॉट इन रेड ब्लड सेल्स। फिर आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें, इंसेक्ट्स, उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड कैसा होता है, कलरलेस, फ्लूइड कैसा होता है, कलरलेस, नो पिगमेंट। मोलस्का कैसा पिगमेंट देखा जाता है, ग्रे ब्लू, हीमोसाइनिन अगर आ जाए, हीमोक्रोइनिन अगर आ जाए, तो ऐसे वाले पिगमेंट्स आपको किस में देखने मिलते हैं, कौन से ब्लड में, कौन से फ्लूइड में, मोलस्क्स में। तो मोलस्क के पास मोस्टली ओपन हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रे कलर का होता है ऑक्टोपस, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मोलस्क, आपको पता होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लोज्ड और ओपन होते क्या है, क्लोज सिर्फ ब्लड वेसल्स में चलता है, क्लोज में कभी टिश्यूज से कॉन्टैक्ट में नहीं आता। ओपन में हमारे पास आर्टरी रहती है, वेन रहती है, हार्ट रहता है, बट ब्लड इन ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, इनकी ब्लाइंड ओपनिंग्स होती हैं और ये बॉडी के कैविटी के अंदर भर जाता है। तो उस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, आपका हीमोसील। फ्लूइड को क्या बोलते हैं, आपका हीमोलिम्फ। इज दिस थिंग क्लियर? अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैंने अर्थवर्म को प्रिक किया, ठीक है, ब्लड वेसल उसकी मैंने नहीं तोड़ी, तो कौन सा फ्लूइड बाहर आएगा, क्या वो ब्लड बाहर आएगा या वो टिश्यू फ्लूइड बाहर आएगा? तो ब्लड तो कभी बाहर आता नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ही होता है, ब्लड वेसल हमने तोड़ी नहीं, तो वो टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड बाहर आएगा, क्योंकि उसके पास ब्लड हमेशा सिर्फ ब्लड वेसल्स में टलता है। अप्लाइड क्वेश्चन, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम। कमिंग बैक टू सिस्टम, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी, सबके ऑर्गन्स पता होने चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम करूंगी सो दैट यू शुड बी एबल टू सी, अदरवाइज इट विल बी बिहाइंड माई इमेज ओनली। एक्सक्रीशन में दो चीजें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिजियोलॉजी से भी लिंक कर देता है और ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए अमोनोटॉलिक कौन है, यूरियोटेलिक कौन है, यूरिकोटेलिक कौन है, अगेन बर्ड्स, इंसेक्ट्स, यूरिकोटेलिक, क्लासिक क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए, ठीक है। आपके बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज अमोनिया और यूरिया है ना, आपके बोनी फिशेज अमोनोटेलिक है, अमोनिया करते हैं, बट कार्टिलेजिनस फिशेज मैमल्स जैसे होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। तो यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, इनके एग्जाम्पल्स जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, आई टेलिंग यू, आपके फिशेज और इंसेक्ट्स कैसे हैं, यूरिको, ठीक। बोनी फिशेज कैसी है, अमोनो। कार्टिलेजिनस फिशेज कैसी है, यूरियोटेलिक। मैमल्स कैसे है, यूरियोटेलिक। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फ्लैटवर्म्स पे पूछा जाता है।
आपके प्लैटीहेलमिंट्स किससे एक्सक्रीशन शो करते हैं, फ्लेम सेल्स, और क्या बोलते हैं इनको, सोलिनोसाइट्स। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए कि ये प्लैटीहेलमिंट्स का है, ठीक है। एस्केहेलमिंट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, ट्यूब होती है, एक्सटर्नल पोर होते हैं, ठीक है। एनालीड्स कैसे करते हैं, आपके पास नेफ्रीडिया होते हैं। आपके मोलस्क किससे करते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ गिल्स ही वो एक्सक्रीशन करने में एफिशिएंट होते हैं। व्हेन वी गो टू ईच फाइलम वी विल रीड इट, बट मोस्टली आस्क फ्लेम सेल्स किसके एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं, प्लैटीहेलमिंट्स के। एनालीड्स किससे एक्सक्रीशन करते हैं, आपके नेफ्रीडिया से। इंसेक्ट्स, कॉकरोच, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए, मालफीजियन टिब्यूल्स, ये तीन तो याद होने ही चाहिए। ऐसा कौन सा इनवर्टिब्रेट फाइलम है जिसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं, एडवांस्ड है बट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, स्टार, क्वेश्चन मार्क। आपके इकाइनोडर्म्स डू नॉट हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? फॉर एवरी फाइलम यू सपोज टू नो दीज थिंग्स, इसलिए स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि सिस्टम्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एंड वेन एवर देर इज अ टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको पता होना चाहिए कौन सा यूनिसेक्सुअल है, कौन सा बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल को हर्मेटोफ्रोडाइट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मालूम होनी चाहिए, इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट मालूम होनी चाहिए, डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है, बहुत क्वेश्चन आता है, स्टार, क्वेश्चन मार्क। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या बनता है, लार्वा। लार्वा फिर कैसे एडल्ट में कन्वर्ट करता है, मेटामॉर्फोसिस करके। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन से ऐसे फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं जो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते, इसका मतलब उसमें लार्वा एडल्ट में नहीं बदलता, मतलब लार्वा है ही नहीं। कैसी डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फाइलम डायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहा है, कौन सा इनडायरेक्ट कर रहा है, फॉर एवरी फाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चार ही है जिनके अंदर हमें पता लगेगा, एटलीस्ट इन वर्टिब्रेट्स में एक दो ही है जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो नहीं करते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार, क्वेश्चन मार्क। एक तो याद ही कर लो, एनालीड्स आपके डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, अर्थवर्म, ठीक है, उनमें लार्वल फॉर्म नहीं होता, मोस्टली इन वर्टिब्रेट्स में लार्वल फॉर्म होता है, ठीक है, बट एनालीड्स जैसे वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, अर्थवर्म डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, उसमें लार्वा नहीं होता, स्टार, क्वेश्चन मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ढूंढ लेना, हर प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? सिस्टम समझ में आए, ऑर्गेनाइजेशन समझ में आई, सेल लेवल किसके पास होगा, स्पॉन्जेस, टिश्यू, निडेरिया, टीनोफोरा, ठीक है, बाकी सबके पास ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम है, चाहे वो इनवर्टिब्रेट है, चाहे वो कॉर्डेट है, क्लियर। नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जिसपे अगेन बहुत क्वेश्चन बनते हैं, योर सिमिट्री। सिमिट्री में तीन ही क्वेश्चन आते हैं, एसिमेट्रिकल कौन है, स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, एक तो सबसे पहला है, मोस्ट प्रिमिटिव है, सिंपलेस्ट है, उसके हर फीचर आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके पास अकेला ऐसा है जो एसिमेट्रिकल होता है। रेडियल सिमिट्री सिर्फ दो ही को देखने मिलती है, किस किस में रेडियल देखने को मिलती है, जो प्रिमिटिव है, आपके सीलेंट्रेट्स जिसमें दो आते हैं, आपके निडेरिया और टीनोफोरा, ठीक है, तो दो ही आपको याद करने हैं, बाकी सब बायलेटरल शो करते हैं, विद एन एक्सेप्शन, स्टार, क्वेश्चन मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इवन यहाँ पे जो आपका फ्लो चार्ट दिया है उसमें मेंशन भी किया है, येलो बॉक्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने ही है। इकाइनोडर्म एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमिट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। रेडियल सिमिट्री एडल्ट शो करता है, बायलेटरल सिमिट्री लार्वा शो करता है, ये उनका एक ऐसा फीचर है जो एडवांस होने के बावजूद उनको प्रिमिटिव बनाता है, कि उनका एडल्ट रेडियल सिमिट्री शो करता है, विच इज अ प्रिमिटिव फीचर, क्योंकि जितने भी एडवांस्ड एनिमल्स है सबके पास बायलेटरल है, सिर्फ एक इकाइनोडर्म ही ऐसे है जिनके पास रेडियल है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं दैट दे शो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और एवोल्यूशन, पुराने तरीके का एक फीचर जो उनकी बॉडी में देखा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन वन वेरी स्मॉल डिटेल जो बच्चे मिस कर देते हैं व्हेन दे टॉक ऑफ सिमिट्री, रेडियल और बायलेटरल। देखो सिमिट्री का मायना है कि बॉडी इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब डिपेंड करेगा जब आप बॉडी को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो तो कैसे काट रहे हो, ठीक है, ये कटिंग शो करी गई है। किसी भी प्लेन में काटो,
सेंट्रल एक्सिस को इन्वॉल्व करते हुए और बॉडी इक्वल हिस्सों में बट जाए तो वो सिमेट्री लेटरल, ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, जैसे भी काट लो अगर बॉडी के इक्वल हाफ हो रहे हैं, अगर आप सेंट्रल एक्सिस इंक्लूड कर रहे हो तो वो रेडियल है, बट बायलेटरल में सिमेट्री सिर्फ एक ही प्लेन में आती है, स्टार क्वेश्चन मार्क. इन बायलेटरल सिमेट्री यू कैन डिवाइड द बॉडी इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ओनली इन वन प्लेन. सिर्फ एक ही लाइन दिखाई है ना, एक ही प्लेन में ऐसा होगा कि बॉडी इक्वल हाफ में, हर किसी प्लेन में इक्वल हाफ में नहीं होगी. ऐसी वाली सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं. ठीक है, बचा सीलोम. क्वेश्चन आता है सूडो सीलोम किस किस के पास है, ए सीलोमेट कौन है, ट्रू सीलोम किस किस के पास है. तो हर किसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सूडो सीलोम और ए सीलोमेट. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड सीलोम, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी कैविटी क्या होती है और सीलोम क्या होता है और गैस्ट्रिक कैविटी क्या होती है. थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखो, बॉडी कैविटी एक वो खाली जगह है जो आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम वाली ट्यूब और आपकी बॉडी की बाहर वाली ट्यूब के बीच में पाई जाती है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है उनकी बॉडी में बॉडी कैविटी पाई जाएगी. भाई जिसकी बॉडी में दो ट्यूब्स है, डाइजेस्टिव ट्यूब अलग है और उसकी बॉडी वॉल वाली ट्यूब अलग है, तो उनकी बॉडी में तो बॉडी कैविटी होगी. जिस जिसके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं है उनके पास बॉडी कैविटी होगी ही नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि बॉडी कैविटी क्या होती है. आई हैव गॉट अ सिंपल इमेज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बॉडी कैविटी और ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है. कैन यू अप्रिशिएट दिस डायग्राम, ये वाला कि दो सिलेंडर है, दो ट्यूब है जिनकी बॉडी इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, उनमें तो बॉडी कैविटी है, ये खाली जगह बॉडी कैविटी है. जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं है उनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं. जिसके पास बॉडी कैविटी नहीं है उसके पास सीलोम नहीं हो सकता. एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शुरू होता है आपका एस्के हेलमिंस से. इसका मतलब प्लैटी हेलमिंस के पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं है, उसकी बॉडी ब्लाइंड सैक है, सैक जैसी बॉडी है, एक ही ओपनिंग है. ठीक है, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरह एक्ट करती है, तभी ब्लाइंड सैक. इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लैटी हेलमिंस, क्योंकि उनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं है, ना उनके पास बॉडी कैविटी है, और अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो सीलोम तो हो ही नहीं सकता. इसलिए प्लैटी हेलमिंस कैसे है, ए सीलोमेट, स्टार क्वेश्चन मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ए सीलोमेट कौन है इनमें से, एग्जाम्पल्स दिए होंगे, टेपवर्म दे रखा होगा, क्रेफिश दे रखी होगी, स्टार फिश दे रखी होगी. यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि किसके पास सीलोम नहीं है. तो यू शुड नो द एग्जाम्पल, रिलेट द एग्जाम्पल टू द फाइलम एंड फाइलम टू द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव करेक्टली. हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव की डिटेल्स देंगे बेटा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, कैसे मैच करना है, कौन सी एग्जाम्पल्स है, टुमारो लाइव एट 8 AM. All those who have subscribed to the Saksham Prime, they can solve these questions, learn these techniques very, very, very easy. I'll make how to solve objective for you. ठीक है, अगर आपको सीखना है तो please subscribe and you will get to know कि कैसे. All those who have already attended, please you can guide them. आप बता सकते हो कि कितना easy हो जाता है, कैसे एक objective को solve करना है, कैसे सोचना है. एक एक question में हम technique बताते हैं बेटा, ऐसे solve करना है, ऐसे सोचना है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, ऐसी गड़बड़ आपको नहीं करनी. You can take your feedback. And those who really liked it, please like and subscribe. चले, moving forward. सीलोम clear है कि जिनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी होगी उन्हीं के पास बॉडी कैविटी होगी और उन्हीं के पास सीलोम होने की संभावना है. तो सीलोम है क्या भला, वो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स और वन साइड, चाहे कोई भी साइड हो सीलोम होगा. अगर सिर्फ एक साइड पर मीजोडर्म है, ओनली वन साइड, तो हम बोलेंगे वो सूडो सीलोम है. ठीक है, अगर दोनों साइड हमारे पास मीजोडर्म होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दोनों साइड का मायना क्या है, इनर साइड एंड आउटर साइड,
बॉडी कैविटी की इनर लाइनिंग और आउटर लाइनिंग अगर दोनों मीजोडर्म की बनी है तो वो ट्रू सीलोम है। अगर सिर्फ एक ही लाइनिंग बनी है, बाहर वाली अंदर वाली नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सूडो सीलोम है। स्टार क्वेश्चन मार्क सूडो सीलोम किसके पास देखने को मिलता है? सूडो सीलोम आपको एस्के हेलमेंट्स में राउंड वर्म्स में देखने मिलता है। डायग्राम आएगा एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला कि भाई मेरे पास ये जो जिनके पास सूडो सीलोम है पाउच के अंदर है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही लाइनिंग है, वो सीडो सीलोम है, पाउच मीजोडर्म बॉडी कैविटी सूडो सीलोम। बाकी सबके पास कैसा है? ट्रू सीलोम। आपके एनलीड्स, आपके मोलस्क, आपके आर्थ्रोपोड जितने भी बाकी हैं, सबके पास ट्रू सीलोम है। स्पेशली मेंशनड है एनसीईआरटी इफ द मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस, सिर्फ एक ही लाइनिंग है तो हम उसको सूडो सीलोम बोलेंगे, जो कि किनके पास होता है? एस्के हेलमिंट्स के पास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन मार्क। ए सीलोमेट प्लैटी हेलमिंट्स, सूडो सीलोमेट एस्के हेलमिंट्स, बाकी सब यू सीलोमेट। और सीलोम क्या है? इट्स अ बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि बॉडी कैविटी क्या है, आप ये नहीं समझ सकते कि सीलोम क्या है। तो सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बॉडी कैविटी क्या है। ये खाली जगह है बिटवीन बॉडी वॉल और आपका डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग होती हैं। आपका एलिमेंट्री केनाल अलग होता है, बॉडी कैविटी अलग होती है। और ये बॉडी कैविटी उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। और जब उस बॉडी कैविटी पे मीजोडर्म आ जाता है तो हम उसको सीलोम बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। नोटोकॉर्ड तो हमारा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को क्लासिफाई करने के लिए होता है, जिसमें हम कॉर्डेट्स में फिर आगे चले जाते हैं। ये जितने भी फीचर्स हैं, ये सब आपको नॉन कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करने में, आपके इन वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करने में यूज होते हैं। कॉर्डेट्स के लिए हम क्या क्लासिफिकेशन यूज करते हैं कि जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट। फिर हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो तो कॉर्डेट है, फिर क्या हर किसी में वर्टिब्रल कॉलम बनता है नोटोकॉर्ड से? तो नहीं, हर किसी में तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता। तो उनका एक अलग सेट ऑफ क्राइटेरियाज है जिनसे हम कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करते हैं। वो क्या क्राइटेरियाज है जिनसे हम कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करते हैं? एक छोटा सा फ्लो चार्ट आता है फॉर कॉर्डेट क्लासिफिकेशन, आई क्विकली शो यू ताकि वो क्राइटेरिया भी खत्म हो जाए और हमें बेसिक कॉर्डेट क्लासिफिकेशन के बारे में पता लग जाए, ठीक है। हम बोलते हैं कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, कि जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रेट, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसमें हम दो पढ़ते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। All right, here it is. I'll quickly show you and then we'll move forward. अभी तक जितने भी क्राइटेरिया पढ़े सब क्राइटेरिया इन वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए थे। अब जो हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे वो वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए, माने कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। कि जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो तो कॉर्डेट है, बट क्या नोटोकॉर्ड जो कि एक मीजोडर्म से ओराइज होता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है और आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाने में सक्षम है, ठीक है, बट क्या हर किसी में बनाता है? नहीं। जिनमें नहीं बनाता उनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, माने इनके पास नोटोकॉर्ड तो होगी बट इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। तो ये कौन है? ये आपके सिफेलोकॉर्डेट्स है और यूरोकॉर्डेट्स है, ठीक है। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। उनको एक और नाम से जानते बेटा, उनको हम क्रेनिएट्स बोलते हैं। उनके पास क्लासिकली क्रेनियम होता है जिसमें जॉ होती है, स्कल। और जिनके पास जॉ है उनको हम बोलते हैं गनाथोस्टोम्स, जिनके पास जॉ नहीं है उनको हम बोलते हैं ए गनाथोस्टोम्स, या फिर इनके पास ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके पास नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होती है। इनके पास और क्या खास बात होती है? इनके पास क्रेनियम होता है।
अब क्रेनियम के साथ साथ पूरा स्कल है या नहीं है, जॉ है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है. जिनके पास जॉ होती है वो गनाथोस्टोन्स, जिसमें हम आपकी फिशेस और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव मैमल्स पढ़ते हैं. जिनके पास जॉ नहीं होती उनको हम बोलते हैं कि ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स है, आपके साइक्लोस्टोन्स है, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल आपका मिक्साइन हैगफिश और आपका पेट्रोमाइजॉन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, जहां पे आप ये क्लासिफिकेशन फ्लोचार्ट लिखते हो, अगर आप वहां पे एग्जाम्पल्स लिख लो तो बहुत इजी हो जाता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, आगे छोटी सी क्राइटेरिया है कि फिशेस को क्लासिफाई करते हैं एंडोस्केलेटन के बेसिस पे, कि उनका एंडोस्केलेटन बोनी है या कार्टिलेजिनस, और टेट्रापोडा को क्लासिफाई करते हैं बेसिस पे स्किन, एक्सटर्नल या हार्ट. ये तीन चीजें हैं जिनको हम बहुत बारीकी से देखते हैं हर टेट्रापोडा में, कि स्किन पे स्केल्स है या नहीं है, हेयर है या नहीं है, ग्लैंड है या नहीं है, एक्सटर्नल ईयर है या नहीं है, ईयर है तो किस पोर्शन से आइडेंटिफाइड है. ठीक है, और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओवी पैरस है या वीवी पैरस है. ये तीन चार चीजें हमने चुनी टू क्लासिफाई टेट्रापोडा इंटू एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और mammals. These are your basic criteria to classify animals, be it invertebrates, aapka level of organization, cell, tissue, organ, organ system, aapki symmetry, asymmetrical sponges, radial symmetry kaun show karta hai, aapke nidaria aur tenophora. Iska flowchart bhi NCERT mein diya hai. Again, wo sab kuch summarize karta hai ki kiske paas radial symmetry hai और किसके पास सीलोम है, किसके पास सीलोम नहीं है, किसके पास बॉडी कैविटी है, किसके पास बॉडी कैविटी नहीं है, विदाउट बॉडी कैविटी कौन है, प्लैटीहेलमिंथ्स, क्योंकि उनके पास बॉडी कैविटी नहीं है तो उनके पास सीलोम भी नहीं है, वो एसीलोमेट है. ठीक है, याद रहेगा सबको. एक लास्ट चीज हमने क्राइटेरिया में छूट गई, वो है सेगमेंटेशन. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी. जैसा अर्थवर्म में देखने मिलते हैं बाहर रिंग्स है, अंदर से भी वही रिंग्स होती हैं, वही सेप्टम होता है जो बॉडी को डिवाइड करता है हर सेगमेंट में. तो ऐसी सेगमेंटेशन जो बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और हर सेगमेंट को बोलते हैं मेटामियर. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मेटामियर क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है, मेटामेरिज्म क्या होती है, किसमें पहली बार देखी गई, आपके अर्थ वर्म्स में. क्वेश्चन ये भी आता है कि मोलस्का बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेगमेंटेशन से. तो मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड नहीं है. किसकी बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती है, एनलीड्स की बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती है. टू वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, और हर सेगमेंट को क्या बोलते हैं, मेटामियर. सब क्राइटेरिया के ऊपर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है, फाइलम बेस्ड क्वेश्चन आता है, किसके पास ये फीचर है, किसके पास ये फीचर नहीं है. प्लीज रिमेंबर ईच क्राइटेरिया विद एग्जाम्पल्स. सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस एनिमल किंगडम में इसी से ही आते हैं. इसमें तीन चीजें चेक कर लेते हैं, वो क्राइटेरिया भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं आपको फाइलम आते हैं कि नहीं आता, और ये भी चेक कर लेते हैं कि फाइलम के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म से एग्जाम्पल्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं. तो जो मेजर मोटिव है उनका वो तो सॉल्व हो गया, तो वो बारीकी वाली जो डिटेल्स है हर फाइलम की उस पर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछते. मैक्सिमम क्वेश्चन क्राइटेरिया पे आते हैं. 80% animal kingdom questions come from criteria of classification, be it for chordates or for invertebrates. अगर मैं स्लो जाऊंगी तो फिर मैं एनिमल किंगडम कवर नहीं कर सकती तुलसी. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म्स सबको आते होते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं किया, बट मैंने एनसीईआरटी में मार्क किया है कि वो लोग जिनके पास, वो एनिमल्स जिनके पास बॉडी के अंदर एम्ब्रियो के टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे दो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. तीन ही है आपके, तीन पहले वाले, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा.
सिर्फ तीन ही है जिनके पास दो लेयर्स होती हैं, बाकी सारे ठीक है आपके प्लैटी हेलमेंट से लेके सारे कॉर्डेट्स सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्लैटी हेलमेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसके पास एक्टोडर्म मीजोडर्म भी है ठीक है, पर फिर भी उसके पास सीलोम नहीं है क्योंकि मीजोडर्म तो है पर बॉडी कैविटी नहीं है, तो जब बॉडी कैविटी नहीं है तो वो लाइन भी नहीं होगी मीजोडर्म से, इसलिए वो एसीलोमेट है। ठीक है, ऐसा ही पढ़ना है। तो एक ये भी फीचर है जिसपे क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स या किंगडम एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसपे अनएक्सेप्शनली सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो जो किंगडम एनिमेलिया का एग्जाम्पल होगा प्रोटिस दे रखा होगा, मोनरन दे रखा होगा, फंगल दे रखा होगा, बट जो एनिमल होगा उसके पास सेल वॉल नहीं होगी। तो ये भी एक फीचर है, ये सब अप्लाइड क्वेश्चंस है जो पूछ लिए जाते हैं अपॉन द फीचर्स। किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर विदाउट सेल वॉल एनिमल सेल बियर करने वाले ये सारे फीचर्स शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स देखे जाते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, नन किशोर, अब क्राइटेरिया पता है, सेगमेंटेशन एक क्राइटेरिया है, सिमेट्री एक क्राइटेरिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने सेल टिश्यूज बना रहे या नहीं, टिश्यूज ऑर्गन बना रहे या नहीं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना रहे या नहीं, ये क्राइटेरिया है। सीलोम एक क्राइटेरिया है, नोटोकॉर्ड एक क्राइटेरिया है। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मल एम्ब्रियोनिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डेवलपमेंट के बाद वर्टिब्रल कॉलम बना भी सकती है और नहीं भी। इस पे तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ। नोटोकॉर्ड किस किस की बॉडी में परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, माने वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाती, वो एम्ब्रियो में भी पाई जाती है, वो अडल्ट में भी पाई जाती है और वो रहती है थ्रू आउट द लाइफ। दो एग्जाम्पल्स है आपको याद रखने हैं, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ। एक तो इनवर्टिब्रेट्स के पास नोटोकॉर्ड होती नहीं तो उनको तो भूल जाओ, बचे नोटोकॉर्ड वाले कॉर्डेट्स। तो ऐसे कौन से कॉर्डेट्स है जिनके पास नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियो में भी है और एडल्ट में भी है? बेटा सिफेलोकॉर्डेट्स, थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट, और आपके जो साइक्लोस्टोम्स है हम बोलते हैं उनके अंदर भी आपको नोटोकॉर्ड देखने मिलती है परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो अगर कभी पूछ लिया जाए इवन कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, तो किन में आपको नोटोकॉर्ड देखने मिलेगी, मैंने आगे हाईलाइट भी करके रखा है आपके लिए, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, लार्वा में भी है और एडल्ट में भी है, persistent throughout the life आपको cephalocordates में देखने मिलेगी, आपका lancelet amphioxus। ठीक है, example based question आता है। फिर और किस में आपको persistent notochord देखने मिलेगी, आपकी chondrichthyes, notochord is persistent throughout the life। तो आप दो याद कर लो, ठीक है, एक आपका सिफेलोकॉर्डेट लैंसलेट, दूसरा आपका कॉन्ड्रिक्थीस परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो आता है यूरोकॉर्डेट्स पे। यूरोकॉर्डेट्स पे क्या क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके लार्वा एडल्ट में तो है, लार्वा में तो है बट एडल्ट में नहीं है, और अगर लार्वा में है भी तो सिर्फ टेल में है और कहीं नहीं है, तो वो आपके यूरोकॉर्डेट्स है। इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछ लेंगे इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एडल्ट में लार्वा देखने नहीं मिलता। ठीक है, यूरोकॉर्डेट होगा, ठीक, सिफेलोकॉर्डेट दिया होगा, कॉन्ड्रिक्थीस दिया होगा, ऑल ऑफ दीज लिखा होगा, तो आपको किसमें मार्क करना है? देखो कॉन्ड्रिक्थीस में थ्रू आउट लाइफ होता है, एडल्ट में भी होगा, सिफेलोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट लाइफ होता है, एडल्ट में भी होगा, तो किसमें एडल्ट में नहीं होगा, यूरोकॉर्डेट में एडल्ट में नहीं होगा, तो आपको क्या मार्क करना है? एग्जाम्पल ऑफ अ यूरोकॉर्डेट विच आर योर ट्यूनिकेट्स, ठीक है, योर साल्पाडोलोलियम, ओनली इन टेल इन लार्वा। क्या होता है ओनली इन टेल इन लार्वा? नोटोकॉर्ड।
सिर्फ टेल में होती है, सिर्फ लार्वा में होती है, यूरोकॉर्डेट्स में। दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम नोटोकॉर्ड। याद रहेगा परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड और किसके पास एडल्ट में नहीं है और किसके पास लार्वा में सिर्फ टेल में है। चले आगे, अब एक एक फाइलम उठाते हैं। पहले इनवर्टिब्रेट उठाएंगे फिर वर्टिब्रेट उठाएंगे। वी हैव 1 आवर। शैल वी स्टार्ट क्विकली? मैंने सबके इंपॉर्टेंट फीचर्स मार्क करे हैं। अब जितने भी क्राइटेरिया वाले फीचर्स हैं आई विल नॉट फोकस ऑन देम बिकॉज वो सारे क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, वी विल फोकस ऑन इंडिविजुअल सेल जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, फीचर जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्लीज मार्क इट, आई विल नॉट गो विद द क्राइटेरिया एनी मोर। आई विल जस्ट टेल यू टिपिकल सेल, टिपिकल फीचर एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो खैर आपको सारे ही याद करने हैं विद साइंटिफिक नेम विदाउट एक्सेप्शन। हर फाइलम हर ग्रुप का एग्जाम्पल विद साइंटिफिक नेम आपको याद करना ही करना है। ठीक है, लेट्स चूज अ पेन, आई लाइक ब्लू, माई स्टूडेंट्स नो। चले, पॉरीफेरा को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। ठीक है, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर वाटर एंटर किससे करता है? एंट्री ऑफ वाटर अकर्स थ्रू ऑस्टिया। एग्जिट किससे करता है? ऑस्क्यूलम। और ये एंट्री एग्जिट के लिए इनके पास चैनल्स होते हैं जिनको हम केनाल बोलते हैं, और इनके पास एक केनाल सिस्टम होता है। कंफ्यूज नहीं करना, वाटर केनाल सिस्टम स्पॉन्जेस का है, वॉटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स का है। स्टार क्वेश्चन मार्क, वॉटर केनाल स्पॉन्जेस, वॉटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स। ठीक है, और ये वॉटर केनाल सिस्टम में वॉटर के अंदर जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, वॉटर की मूवमेंट को कौन हेल्प करता है? आपके एक तरीके के फ्लैजिलेटेड सेल्स जो अंदर की लाइनिंग में पाए जाते हैं, उन फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, क्वानोसाइट्स बोलते हैं। स्टार क्वेश्चन मार्क, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें इनर लाइनिंग में फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, क्वानोसाइट्स होते हैं? आपके पॉरीफेरा स्पॉन्जेस। इंपॉर्टेंट सेल क्वानोसाइट्स, कॉलर सेल्स किसमें है? पॉरीफेरा में। क्या एड करते हैं? मूवमेंट ऑफ वॉटर, वॉटर केनाल सिस्टम। एंट्री किससे होती है? ऑस्टिया से। एग्जिट किससे होते हैं? ऑस्क्यूलम से। और किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है? इसपे डाइजेशन कैसी होती है? इंट्रासेल्यूलर, क्योंकि इनके पास सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज नहीं है, तो बॉडी कैविटी में डाइजेशन नहीं होती, सेल के अंदर होती है। टिपिकली शो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, स्पेसिफिकली मार्क किया। ठीक है, इनके स्केलेटन पे क्वेश्चन आ जाता है, किसका बना होता है? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब स्पिक्यूल्स जो है वो कैल्केरियस भी हो सकते हैं, सिलिशियस भी हो सकते हैं, और वो स्पॉन्जिन फाइबर्स के भी बने हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ कैल्शियम के किसमें होंगे? वो स्पॉन्जेस में नहीं होंगे, क्योंकि सिलिका भी हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। चले, फिर ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन से करते हैं, और हमें पता है कि फ्रैगमेंटेशन एज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोन ओनली बाय दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन किन किन के पास होती है? लिंक, ठीक है, रिप्रोडक्शन से भी और आपके एनिमल किंगडम से भी, कि फ्रैगमेंटेशन माने रीजनरेशन, एंड रीजेनरेशन की पावर आपकी स्पॉन्जेस के पास होती है, प्लानेरिया के पास होती है, जैसे प्लैटीहेलमिंथ्स, और आपके इकाइनोडर्म्स के पास होती है, स्टारफिशेस। तीन पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन फ्रैगमेंटेशन या रीजेनरेशन या किस किस के पास हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन है। आपको तीन याद रखने हैं, स्पॉन्जेस याद रखने हैं, प्लानेरिया प्लैटीहेलमिंथ्स फ्लैटवर्म याद रखना है, इकाइनोडर्म्स स्टारफिशेस याद रखने हैं। दे हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं किसके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, मैंने तीनों बता दिए, तीनों लिख लो, याद कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट, इनकी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर किसी की कर लेना, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। लार्वा होते हैं, मेंशन नहीं है, बट इनके पास पैरेंटाइमुला लार्वा होता है।
ट्रोकोफोर लार्वा, बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं बेटा, वो आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वो आपके मोलस्क, आपके एनलीड्स के अंदर होते हैं, जो कनेक्टिंग लिंक की तरह भी एक्ट करते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही बता रही हूँ, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू एनसीईआरटी। 90% क्वेश्चन कम फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। बस आपका कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए एनसीईआरटी की लाइन समझने को, कहाँ एनसीईआरटी पढ़नी है वो आपको पता होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन उठ के आता है, क्या लॉजिक लगाना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि लॉजिक कैसे लगाया जाएगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। टुमारो 8 AM लाइव वी प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनिमल किंगडम। प्लीज कम एंड अटेंड एंड यू विल गेट टू नो कि एनिमल किंगडम हवा नहीं है, बहुत आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको क्वेश्चन लगाने का टेक्निक आता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल्स जो डायग्राम दिया है, सारे के सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते ही पता होना चाहिए ये साइकॉन है, ये आपका बाथिंग स्पॉन्ज है जिसे घिसते हो, ये आपका गॉडजिला जैसा स्पॉन्जिला है क्योंकि आपका फ्रेश वाटर होता है। फीचर स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। क्वेश्चन आ जाता है, स्पॉन्जेस मरीन वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, दोनों होते हैं, तो दोनों में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है, आपका स्पॉन्जिला। तो हैबिटेट पे भी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इस वर्ड से क्वेश्चन बन गया। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, बट हर चीज एनसीईआरटी में पकी पकाई परोसी नहीं जाती, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यहाँ पे लिखा है दे आर मोस्टली मरीन, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो मरीन तो है बट वो फ्रेश वाटर भी होते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, फोटो भी दी है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी फोटो पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए आगे। अब आपको एक फाइलम डिटेल में बता दिया कि हर एग्जाम्पल को आपको फोटो देख के आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपको उसके साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, एवरी फाइलम एवरी ग्रुप। मूविंग टू निडेरिया, नाम पढ़ा, स्पेसिफिक सेल, नीडोब्लास्ट सेल, इनको हम स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, अगेन मोस्टली मरीन है बट फ्रेश वाटर भी होते हैं, हाइड्रा फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके दो फॉर्म पे, इनके दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं, पॉलिप मेडूसा, पॉलिप को मैंने पिंक में मार्क किया है, पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है, सिसाइल होता है, चिपका होता है सबस्ट्रेटम से, ठीक है, और पॉलिप ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। लाइकवाइज मेडूसा ग्रीन में लिखा है, अम्ब्रेला शेप होता है, स्विमिंग होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करके पॉलिप बना सकता है। माने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों फॉर्म्स शो कर सकते हैं, पॉलिप भी मेडूसा भी, और इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, एक जेनरेशन में पॉलिप एक जेनरेशन में मेडूसा, जैसे प्लांट्स में होता है कि एक जेनरेशन हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड, हैप्लो डिप्लॉइडिक, यहाँ पे प्लॉइडी लेवल नहीं, यहाँ पे फॉर्म है, एक जेनरेशन पॉलिप रिप्रोडक्शन करके दूसरी जेनरेशन मेडूसा। इस तरीके की ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को क्या कहते हैं, स्टार क्वेश्चन मार्क, मेटाजेनेसिस। क्लासिक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में किसका दिया है, ओबिलिया। ओबिलिया को क्या बोलते हैं, आपका सी फर, आपको मालूम होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल फोटो से देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये मेरा पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर है, ये मेरा सी एनिमोन है, जहां पे मेंशन किया है वहां पे देख के पता होना चाहिए। ठीक है, एडेमसिया को सी एनिमोन बोलते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर को फाइसिलिया बोलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम्पल बेस्ड जिसपे क्वेश्चन आता है, कोरल्स स्पेशली मेंशन है, कोरल्स के पास एक स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कोरल्स कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, निडेरिया। नीडोब्लास्ट सेल, स्टिंगिंग सेल कहाँ पाया जाता है, टेंटिकल्स के ऊपर। क्या क्या काम करता है, एंकरेज डिफेंस कैप्चर, डाइजेशन नहीं करता, तो रोल पे आ जाएगा क्या क्या काम करता है क्या काम नहीं करता। कौन सा सेल, नीडोब्लास्ट सेल जिसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल है जिसको हम नीमाटोसिस्ट बोलते हैं, सेल का नाम नीडोब्लास्ट, स्टिंग का नाम नीमाटोसिस्ट, कहाँ पाया जाता है, टेंटिकल्स पे। ठीक है, स्पेशल सेल हो गया, स्पेशल फीचर हो गया, एग्जाम्पल हो गए, कोरल्स हो गया, एग्जाम्पल में सी पेन, सी फैन, सी एनिमोन, ये तीन तो आपके निडेरिया है, बट सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ये आपके निडेरिया नहीं है, ये आपके इकाइनोडर्म्स है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा सी निडेरिया है, कौन सा सी इकाइनोडर्म है। सी पेन
सी फैन और आपका सी एनिमोन, ये तो निडेरिया है, बट सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ये आपके इकाइनो डर्म्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कॉमनली हम बोलते हैं कि जो मेरी जेलीज है, ठीक है, जो मेरी जेली फिशेज है, ऑरेलिया है, वो निडेरियंस होते हैं. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, टीनोफोरा की तीन बातें, ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इनके पास कोम्ब प्लेट्स होती है, नंबर पता होना चाहिए, दे हैव 8 कोम्ब प्लेट्स जो कि सीलिएटेड होती है, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, बायोल्यूमिनेसेंस इनका इंपॉर्टेंट फीचर है. ठीक है, इनके पास भी रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनको हम सी वॉलनट्स या फिर कोम्ब जेलीज बोलते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, तो सिर्फ मरीन है, निडेरिया मरीन भी था, फ्रेश वाटर भी था, बट आपके टीनोफोरा सिर्फ मरीन है, इनके पास एक्सटर्नल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, एग्जाम्पल आपको पता हो चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो वाला तो पक्का ही पता होना चाहिए, इज दिस थिंग क्लियर, याद रहेगा पक्का. चले आगे, प्लैटी हेलमेंट्स, तीन बातें अगेन, इनके पास डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, ये ब्लाइंड सैक होते हैं, ये बिना बॉडी कैविटी के होते हैं, ये एसीलोमेट होते हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स और पैरासिटिक फॉर्म्स, के पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, जो डायरेक्ट होस्ट से न्यूट्रिशन करते हैं, इनके एक्सक्रीटरी सेल्स कौन है, फ्लेम सेल्स, जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं, दे आर मोस्टली बायसेक्सुअल, क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो बायसेक्सुअल नहीं है, देखो स्पॉन्जेस बायसेक्सुअल हैं, निडेरियंस बायसेक्सुअल हैं, प्लैटी हेलमेंट्स बायसेक्सुअल हैं, बट एस्के हेलमेंट्स बायसेक्सुअल नहीं होते, इंसेक्ट्स बायसेक्सुअल नहीं होते, ठीक है, एनलीड्स भी मोस्टली बायसेक्सुअल होते हैं विद एन एक्सेप्शन, कि आपके पास कौन सा ऐसा एनलीडा है जो बायसेक्सुअल नहीं है, नेरीज जो एक्वेटिक फॉर्म है वो बायसेक्सुअल नहीं है, बाकी सब बायसेक्सुअल है, जिनको मोनोऑशियस बोलते हैं, तो यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कौन सा डायऑशियस है कौन सा मोनोऑशियस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये भी तरीके का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, फोटो देख के आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये टेपवर्म है, ये लिवर फ्लूक है, तो फ्लूक्स और टेपवर्म्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ विथ साइंटिफिक नेम, हाई जेनरेशन ऑफ पावर ऑफ रीजेनरेशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं कौन से टेपवर्म कौन से फ्लैटवर्म के पास हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन है, आपका प्लेनेरिया, जिसको आप बोलते हो कि ये मेरा डिजीसिया भी है. ठीक है, चले आगे. ऑल राइट, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बाय चांस इफ आई एम स्किपिंग, दे आर हाईलाइटेड स्पेसिफिकली इन कलर, तो वो वाले हाईलाइट्स तो पढ़ लेना, वी विल बी शेयरिंग दीज नोट्स, we'll be sharing the class notes, NCERT marking on the Telegram channel. The link is given in the description. You can check. But only notes will be given. Only NCERT markings will be given. जो कल हम questions discuss करने वाले हैं, वो Telegram channel पे नहीं मिलेंगे बेटा. उसके लिए you'll have to subscribe and come to us live at 8 o'clock and study with us. ठीक है? चलें. The body of the alkahelmint is सर्क्यूलर, राउंड वर्म इसीलिए बोलते हैं, मैंने स्पेशली अंडरलाइन किया, दे आर पैरासिटिक इन प्लांट्स, क्योंकि इट इज लिंक्ड टू बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा ऐसा नेमेटोड है जो प्लांट्स में डिजीजेस करता है, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, टोबैको में रूट रॉट करता है, जिसके लिए हम पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी भी बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, कौन सा वाला टेक्निक यूज करते हो बायोटेक्निक के अंदर, हम mRNA साइलेंसिंग करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ से उसको लिंक कर लो, क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, देन इनके पास पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा गया. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू द क्राइटेरिया, मस्कुलर फैरिंग्स होता है उनके पास, सर्कुलर मसल्स पहली बार इनमें देखी गई थी, इनका पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, ये सेक्सेस सेपरेट होते हैं, माने मेल फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पेशली मेल छोटा होता है, कर्व्ड बॉडी होता है, फीमेल लॉन्ग होती है, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कि देखकर ही बता सकते हो कि मेल फीमेल अलग है, वो किसमें पहली बार देखा गया, इन योर एस्के हेलमिंट्स, योर नेमेटोड्स.
ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है क्योंकि सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है, मेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल, एंड दे मे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, दे मे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, शुड नो द साइंटिफिक नेम. पूछ लिया जाता है हुक वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टा है, फिलेरियल वर्म है, फिलेरियासिस कॉज करता है, कौन होता है इसका वेक्टर आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्या नाम होता है डिजीज का एलिफेंटियासिस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से लिंक कर लेते हैं. एस्कैरिस राउंडवर्म कौन से सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स करता है. ठीक है, यू शुड बी एबल टू लिंक दीज डिजीजेस टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ऑल्सो विद वेक्टर ऑल्सो. कमिंग टू एनेलिडा, फोटो देख लो और पहचान लो कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है. नेरीज, ये एक्वेटिक होता है, इसके तीन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये एक्वेटिक है, ऊपर से इसको स्विमिंग के लिए इसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया. ये डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसलिए नेरीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं. एनेलिडा पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया, एनेलिडा में अर्थवर्म आते हैं, एनेलिडा में लीचेस आती हैं. अब एक और चीज, सबके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बट एक ऐसा एनेलिडा जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्शन, लीचेस के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्वेश्चन आ सकता है, हिरुडिनेरिया. ठीक है, मोनोऑशियस डायोशियस बता दिया, ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन बता दिया. पहले थे जिन्होंने मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करी थी, क्लासिक फीचर, इंपॉर्टेंट सेल नेफ्रीडिया है जो एक्सक्रीशन करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए. इनके पास लोकोमोशन करने के लिए, नेरीज के पास पैरापोडिया होता है और बाकी सबके पास सीटे होते हैं, ठीक है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर जिनसे ये लोकोमोशन करते हैं. क्लियर है, जैसे आस्के हेलमिंट्स के पास सिर्फ सर्क्युलर मसल्स थी, आपके एनेलिडा के पास सर्कुलर भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, मैंने मार्क करके रखा. हर सेगमेंट को मेटामियर बोलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा से आते हैं क्योंकि सबसे बड़ा है. इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तीन क्राइटेरिया जिसके लिए फेमस है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ज्वाइंटेड अपेंडिजेस जिनसे इनको इनका नाम मिलता है आर्थ्रोपोडा, एंड इनका बॉडी सीलोम. इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये सीलोमेट होते हैं, क्योंकि ओपन होता है तो जो इनका ब्लड है वो पूरी बॉडी कैविटी में फैल जाता है जिसको हम हीमोसील बोलते हैं. ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, स्पेशली ये लोकस्ट अभी आई थी इतनी बड़ी बाहर कोरोना में, लोकस्ट की हर जगह आ गए थे. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सब आर्थ्रोपोड्स है. ठीक है, इनके एक एक फीचर दिए हुए हैं जिनसे इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. ग्रिगेरियस पेस्ट कौन है क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको पता होना चाहिए, लोकस्ट है. ये वेक्टर्स पूछ लेंगे, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से, कि एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है, क्यूलेक्स आपका फिलेरियल वर्म फिलेरियासिस, एडीज आपका वायरस डेंगी फैलाता है. यू शुड नो ये किसके वेक्टर्स है. लासीफर ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ये लाख इंसेक्ट होता है जिससे लाख जिसकी चूड़ियां बनती हैं. ठीक है, बॉम्बैक्स मोरी सिल्क वर्म, उससे सिल्क लेते हैं. एपिस इंडिका हनी भी, इससे हनी लेते हैं. तो कुछ कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि इनसे हम क्या लेते हैं, इनका साइंटिफिक नाम क्या है, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है. किंग क्रैब, इसको हम लिम्युलस बोलते हैं, ये लिविंग फॉसिल है. अगेन लिविंग फॉसिल पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिविंग फॉसिल. किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है. स्फिनोडॉन आपका टॉटोरा जो लिजर्ड है वो लिविंग फॉसिल है. ठीक है, पेरीपैटस एक लिविंग फॉसिल है. अभी लिख लो तीन, आपका स्फिनोडॉन लिजर्ड लिविंग फॉसिल है, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है, आपका पेरीपैटस व्हिच इज आल्सो अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड एनेलिड्स, क्वेश्चन आता है, पता होना चाहिए, ये सब लिविंग फॉसिल्स है. ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आर्कियोप्टेरिक्स लिविंग फॉसिल है, वो कनेक्टिंग लिंक तो है बट वो लिविंग फॉसिल नहीं है, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है. तो यू शुड नो विच आर द लिविंग फॉसिल्स, विच आर द कनेक्टिंग लिंक्स, अगेन लिंक्ड टू एवोल्यूशन, मोर इम्पॉर्टेंटली स्टडीड इन एवोल्यूशन, बट एग्जाम्पल बेस्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि वो दो फाइलम्स को कनेक्ट कर रहा है, किस फाइलम को बिलोंग करता है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है. ठीक है, आई गिवन वन क्वेश्चन, देयर आर मेनी सच, वी विल प्रैक्टिस टुमारो. ठीक, देन कम्स फाइलम मोलस्का.
तीन बातें अगेन रेडुला पे क्वेश्चन आते हैं. रैस्पिंग ऑर्गन है, फीडिंग के लिए करते हैं, ठीक है. इनकी बॉडी में शेल्स पाए जाते हैं, ठीक है. शेल कौन सिक्रीट करता है? मेंटल, ठीक है. मेंटल कहाँ पाया जाता है? इनकी सॉफ्ट बॉडी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं विसरल बॉडी या विसरल हम्प. तो इनकी बॉडी में तीन हिस्से होते हैं, एक मस्कुलर फुट, एक विसरल हम्प और एक इनका मेंटल हेड कह लो. हेड विसरल हम्प और आपका मस्कुलर फुट. विसरल हम्प के ऊपर मेंटल होता है, ये ऐसी बॉडी होती है इनकी. ये हम्प हो गया, ये मस्कुलर फुट हो गया और ये हेड हो गया. दिस इज द डिविजन, ठीक है. इसके ऊपर मेंटल आता है और मेंटल ही शेल बनाता है. तो क्वेश्चन आ जाए, हु सिक्रीट्स द शेल? मेंटल. मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, जहां पे आपको क्या मिलता है? गिल्स. बहुत क्वेश्चन आता है, क्या काम करते हैं गिल्स? एक्सक्रीशन करने में भी हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करते हैं, मेंटल कैविटी में मिलते हैं, ठीक है. क्वेश्चन आ जाए, सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स कौन से हैं? मोलस्क. बॉडी किस में डिवाइडेड है? हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प. रेडुला क्या काम करता है? रेडुला रैस्पिंग ऑर्गन है, फीडिंग करने में काम करता है, ठीक है. बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं होती. और क्या क्वेश्चन आते हैं मोलस्क के ऊपर? कौन से ऐसे हैं जिनके पास शेल नहीं है? क्लासिक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑक्टोपस, इसके पास शेल नहीं है. इसका साइंटिफिक नाम क्या है आपको मालूम होना चाहिए? पाइला है, एप्पल स्नेल, ठीक है. यू शुड नो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस. कटल फिश. अब फिश पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन इसमें से ट्रू फिश है या ट्रू फिश नहीं है? कटल फिश ट्रू फिश नहीं है. क्रे फिश ट्रू फिश नहीं है, इट्स एन आर्थ्रोपोड. सिल्वर फिश ट्रू फिश नहीं है, इट्स अगेन एन आर्थ्रोपोड. तो याद रखना, क्रे फिश भी आर्थ्रोपोड है, सिल्वर फिश भी आर्थ्रोपोड है, कटल फिश जो आपका स्क्विड, सीपिया, ये सब मोलस्क है, ठीक है, ये भी ट्रू फिश नहीं है. फ्लाइंग फिश एक ट्रू फिश है, ठीक है. तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन वर्ड्स जिसमें फिश फिश तो है बट वो ट्रू फिश नहीं है. स्टार फिश ट्रू फिश नहीं है. सो दीज फोर फाइव वर्ड्स यू शुड नो, दे आर नॉट ट्रू फिश. कटल फिश मोलस्क, स्टार फिश इकाइनोडर्म, क्रे फिश आर्थ्रोपोड, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड, ठीक है, याद रहेंगे पक्का. चले आगे, डेविल फिश, ऑक्टोपस, ये सब ट्रू फिशेस नहीं है. ओके, प्लीज रिमेंबर ईच एग्जाम्पल विद साइंटिफिक नेम. किसी को भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को भी. तो जितने एनसीईआरटी में दिए हैं एटलीस्ट उतने तो अच्छे से याद कर लो. एक एक कोई भी नहीं छूटना चाहिए, एक एक. एंड माय पर्सनल सजेशन, प्लीज निमोनिक नहीं बनाना. घूम जाओगे, भूल जाओगे, कंफ्यूज कर दोगे, इधर का उधर कर दोगे, ठीक है. ट्राई टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ द नेम, विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. अपनी रियल लाइफ से एसोसिएट करो. जितना आप अपने से रिलेट करके करोगे उतना अच्छा एग्जाम्पल याद रहेगा, ठीक है. किसी और की कहानी इतनी अच्छी नहीं याद रहती, अपनी कहानी सबको याद रहती. मूविंग टू इकाइनोडर्म, दिस इज माई लास्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम. अगेन क्वेश्चन बहुत आता है, किन के पास एंडोस्केलेटन है कैलकेरियस ऑसिकल्स का? बच्चों को नहीं पता होता, सबको स्टारफिश पता होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पता होता है, भूल ही जाते हैं कि इनके पास एक कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है जिसकी वजह से ये स्पाइनी है. इसकी वजह से इनका नाम है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, इकाइनोडर्म्स. इनके पास एक क्लासिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जो कि क्या क्या काम करता है. वो आपको रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, फूड में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. की फीचर ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इनके पास ट्यूब फीट होते हैं. इस पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको वाटर वैस्कुलर सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए. एम्पुला, ट्यूब फीट, रेडियल केनाल, सब नोट्स में मैंने बना के रखा है, यू कैन चेक, ठीक है. आई कांट गो थ्रू द इंटायर नोट्स बट यू शुड नो कि आपके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम की क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं. ट्यूब फीट, एम्पुला, रेडियल केनाल, सेंट्रल केनाल, मैड्रेपोराइट, एक एक वर्ड, एक एक फीचर आपको मालूम होना चाहिए. मैंने सबका मेंशन कर रखा है, कौन क्या काम करता है, क्या किसका कनेक्शन है, ठीक है. चले एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए. ब्रिटल स्टार किसको बोलते हैं? ऑफ्यूरा साइंटिफिक नेम किसका है? ये दो कॉमन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है. सी अर्चिन
निडीरिया नहीं है, सी अर्चिन इज अ इकाइनोडर्म, ठीक है, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। चले हेमिकॉर्डेट्स पे तीन क्वेश्चन, अगेन फिक्स्ड है। वर्म लाइक मरीन कौन होते हैं, वर्म लाइक बॉडी, मरीन बॉडी वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपके हेमिकॉर्डेट्स हैं। पहले इनको कॉर्डेटा में रखा गया था, अब इनको नॉन कॉर्डेटा में रखा गया है। इनके पास क्या होता है, इनके पास एक रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड होती है, स्टोमो माने मुंह में, है ना, मुंह आपका ओरल कैविटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टोमा, तो ओरल कैविटी के जो रूफ वाला एरिया है हम बोलते हैं, वहां पर इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। अब क्योंकि वो पूरी बॉडी में नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है, तो हम उसको ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं बोलते, इनको हम ट्रू कॉर्डेट्स नहीं बोलते, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते कौन सा ऐसा फीचर है जिनकी वजह से हम इनको बोलते कि ये आधे कॉर्डेट है और आधे नॉन कॉर्डेट है। अगेन आई हैव मेंशन्ड स्पेशली कि विच फीचर इज रिस्पॉन्सिबल, इनके फैरेंजियल गिल स्लिट्स जिसकी वजह से हम इनको आधा कॉर्डेट कंसिडर करते हैं बिसाइड्स दैट स्टोमोकॉर्ड, एंड इनके पास एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होती है। ये डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है। ये डॉर्सल वेंट्रल पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक इनमें से कौन कौन है जिनके पास वेंट्रल हार्ट है, तो वेंट्रल हार्ट इज अगेन अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। ऐसे कौन कौन है जिनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज अ फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, तो दो वेंट्रल आपको याद रखने हैं, वेंट्रल हार्ट कॉर्डेट्स के पास होता है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड आपके इनवर्टिब्रेट्स के पास होती है, ठीक है। डॉर्सल नर्वस सिस्टम अब उल्टा किनके पास होता है, आपके कॉर्डेट्स के पास होता है, डॉर्सल हार्ट किनके पास होता है, इनवर्टिब्रेट्स पे। तो अगर आप कोई एक याद रख लोगे, दूसरा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो आप वेंट्रल याद रखो, वेंट्रल हार्ट कॉर्डेट्स, वेंट्रल नर्वस सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स, और एग्जैक्टली ऑपोजिट डॉर्सल के लिए फॉर कॉर्डेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। टू फीचर्स बिकॉज ऑफ विच हेमिकॉर्डेट्स आर कंसिडर्ड हाफ कॉर्डेट्स बिसाइड्स द स्टोमोकॉर्ड, फैरेंजियल गिल स्लिट्स एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये वर्म लाइक बॉडी होते हैं, इनके पास एक प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो एक्सक्रीशन के काम आती है। अगेन क्वेश्चन आ जाता है प्रोबोसिस ग्लैंड का क्या काम है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है। इनकी बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है, ठीक है, आपका प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, जो फीचर जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबोसिस इस हिस्से को बोलते हैं आगे वाला, ठीक है, फिर कॉलर बीच वाला, नेक वाला, एंड ये ट्रंक जिसमें सारी इंटेस्टाइन होती है। दिस इज अ क्लासिक वर्म लाइक बॉडीड हेमिकॉर्डेट एग्जाम्पल, बेलानोग्लॉसस या फिर सैकोग्लॉसस, ठीक है। इनके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने मेंशन किए, दे आर मरीन, दे आर विद स्टोमोकॉर्ड, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, एक्सक्रीशन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड का काम। चले आगे, नाउ कमिंग टू कॉर्डेट्स। पांच फीचर्स जो कॉर्डेट्स के पास होने ही चाहिए तब आप उनको कॉर्डेट बोलोगे। एक तो नोटोकॉर्ड, एंड ऑल दोज हु हैव अटेंडेड क्लास विद मी प्लस नाउ, नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है और कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बोलते हैं। मुझे नोटोकॉर्ड मीजोडर्म है, माने वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाएगी। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या बनाते हैं, हम बोलते हैं एक्टोडर्म आपका नर्वस सिस्टम बनाता है और एंडोडर्म आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो ये मीजोडर्म है, तो नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाएगी, बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका नर्वस सिस्टम है डॉर्सल, इनके बीच में ये जो वेवी लाइन है ये नोटोकॉर्ड है जो मीजोडर्म है, ठीक है, एम्ब्रियो में होती है और परसिस्टेंट होती है दो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन में परसिस्टेंट होती है, आपके कॉन्ड्रिक्थीज में और सिफेलोकॉर्डेट्स में। किस में, सिर्फ लार्वा में होती है, टेल में, आपके यूरोकॉर्डेट्स में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नोटोकॉर्ड तो हर कॉर्डेट के पास होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, वेंट्रल हार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो तीन हो गए, बचे दो,
फारेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, ये आपके फारेंजियल गिल स्लिट्स होती है और ये एनस के बाद वाली टेल, पोस्ट एनल टेल. दीज फीचर्स शुड बी प्रेजेंट इन एवरी कॉर्डेट, तभी आप उसको कॉर्डेट बोलोगे, नहीं तो नहीं. तो हेमी कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल टेल नहीं थी, उनके पास सिर्फ फारेंजियल गिल स्लिट्स थे और स्टोमोकॉर्ड था जो कि पूरा नोटोकॉर्ड भी नहीं था, और डॉर्सल, सिर्फ दो ही थे. ना उसके पास वेंट्रल हार्ट था, ना उसके पास पोस्ट एनल टेल थी, ठीक है, ना उसके पास प्रॉपर नोटोकॉर्ड थी, इसलिए हम उसको कॉर्डेट कंसिडर नहीं करते. वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट फीचर्स मेक एन ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट, ये पांचों के पांचों आपको आने चाहिए. येल्लो बॉक्स तो सारे ही आपको आने चाहिए, ठीक है. क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब आप कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड आप उनको प्रोटोकॉर्डेट्स और आप उनको वर्टिब्रेट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है. प्रोटोकॉर्डेट्स कौन है आपके, दो, सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट. सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टो रहती है नोटोकॉर्ड, थ्रू आउट द लाइफ रहती है. क्लासिक एग्जाम्पल आपका एम्फियोक्सिस लैंसलेट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज 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 आना चाहिए. यूरोकॉर्डेट आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिर्फ टेल के लार्वा में नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है. क्लासिक एग्जाम्पल एसीडिया, साल्पा, डोलोलियम. इनको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी लेदरी होती है, याद रहेगा. चले आगे. All right, I'm sorry, it's taking time to flip. Branchiostoma, amphioxus, lifeslant is your cephalocordate, जिनकी streamlined body होती है, ठीक है. इनके पास myotomes होते हैं, ये आपको आना चाहिए, very 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 important. अब बच्चे आपके vertebrates, जिनके अंदर आपका vertebral column बनता है, एक line जिसपे question बनता है, वो बोलते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, इसका मतलब कभी उनके पास नोटोकॉर्ड थी जिसने डेवलप करके वर्टिब्रल कॉलम बनाया, और नोटोकॉर्ड वाले तो कॉर्डेट होंगे. तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. कॉर्डेट वो जिसके पास नोटोकॉर्ड है, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा या नहीं बनाएगा. कौन से ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, आपके प्रोटोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है. जस्ट फॉर फर्दर आगे जब कभी भी आप ये एनसीईआरटी पढ़ोगे, प्रोटोकॉर्डेट्स मैंने पिंक में हाईलाइट करे हुए हैं, जिसमें सिफेलोकॉर्डेट के फीचर्स पिंक है और यूरोकॉर्डेट की ग्रीन है. यही तीन चीजें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है. वर्टिब्रेट्स को हम क्रेनिएट्स भी बोलते हैं, उनके पास क्रेनियम होता है, और जिनके पास स्कल में जॉ भी होता है उनको हम जॉड वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिसमें आपके फिशेस और टेट्रापोड आते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव, मैमल. और जिनके पास जॉ नहीं है उनको हम जॉलेस वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, विच आर योर साइक्लोस्टोम्स, स्पेशली मेंशन किया हुआ है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स आर योर साइक्लोस्टोम्स. साइक्लोस्टोम्स की तीन बातें, सर्क्युलर माउथ होता है, ठीक है, ये पैरासिटिक होते हैं, एक्टो पैरासिटिक ऑन फिशेस. इनके पास 6 से 15 गिल स्लिट्स है, स्पेशली नंबर मेंशन किया है पेयर्स, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबल 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किनके पास पाए जाते हैं आपके साइक्लोस्टोम पे. एग्जाम्पल आपको आना चाहिए लैम्प्रे और हैकफिश, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिफेलोकॉर्डेट से, ये आपको याद रखते हैं, ये आपके साइक्लोस्टोम्स है, फोटो देख के याद रखो, ठीक है. इनके पास सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, इनका वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है, और ये मरीन होते हैं बट रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, ठीक है. और इनका लार्वा बड़ा लंबा जिंदा रहता है, जैसे ही लार्वा अडल्ट, या जो जैसे ही हमारी रिप्रोडक्शन करते हैं और उनके लार्वा फॉर्म आ जाती है, तो इनका अडल्ट मर जाता है, और फिर जब वो लार्वा आपका आगे डेवलप करता है तो फिर वो मरीन वाटर में मूव कर जाता है. नहीं भी डिटेल याद रहती है तो सिर्फ एक चीज याद रखो, दे आर मरीन, फॉर रिप्रोडक्शन दे मूव टू फ्रेश वाटर, एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन दे इमीडिएटली डाई, ठीक है. चले आगे. कॉन्ड्रिक्थीज आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस को एक थायोलॉजी बोलते हैं, इसलिए एक कॉन्ड्री, कॉन्ड्री वर्ड आपके कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज से होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस को कॉन्ड्रिक्थीज बोलते हैं.
before going to cartilaginous fishes and bony fishes, three things about fishes that you should know. They are poikilothermic, cold-blooded. Question आ जाता है, कौन से ऐसे organisms हैं जिनको बाहर के external temperature से affect होता है, जो cold-blooded है. कौन-कौन cold-blooded है? सारे cold-blooded है, besides aves और mammals. बहुत question आता है, क्योंकि this is linked to your organisms and population ecology also. Factors affecting the biotic factors. कि आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन है, कैसा बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, फिशेस कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड है. ठीक है, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट है, बट फिर भी वो आपके मैमल्स में नहीं इंक्लूड करा गया है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है. तो पोइकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड फिशेज होते हैं, इनका हार्ट टू चेम्बर्ड होता है. ठीक है, एंड इनकी बॉडी यूजुअली स्ट्रीमलाइंड होती है, इनके पास फिन्स होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं. अब डिपेंड करेगा किसके पास कैसे स्केल्स होते हैं. तीन चार डिफरेंसेस जो आपको कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच में मालूम होने चाहिए. स्केल का डिफरेंस पता होना चाहिए कि कार्टिलेजिनस फिशेस के पास कैसे स्केल्स होते हैं, प्लेट लाइक प्लैकोइड. बोनी फिशेस के पास कैसे होते हैं, सर्कुलर टिनोइड. फिर माउथ, आपका माउथ वेंट्रल होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, बोनी फिशेस में हम बोलते हैं कि वो कैसा होता है, टर्मिनल होता है. देन आपकी बॉडी के अंदर यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक. आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटेलिक होती है, बोनी फिशेस अमोनोटेलिक होती है. कार्टिलेजिनस फिशेस के पास ओपरक्यूलम नहीं होता, गिल कवर नहीं होता, बट बोनी फिशेस के पास होता है. कार्टिलेजिनस फिशेस के पास एयर ब्लैडर नहीं होता, बोनी फिशेस के पास होता है. कार्टिलेजिनस फिशेस मोस्टली वीवी पैरस है, आपकी बोनी फिशेस ओवी पैरस होती हैं. ये कुछ 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 डिफरेंसेस के बेसिस पर ही क्वेश्चन आते हैं. विदाउट डिफरेंस क्या क्वेश्चन बन सकता है कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस का, सिर्फ उनके डिफरेंस पे नहीं, उनके स्पेसिफिक फीचर के ऊपर. कार्टिलेजिनस फिशेस पे परसिस्टेंट होती है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं इनके जो दांत होते हैं दे आर मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स. ठीक है, ये डिफरेंस नहीं है. और इनके पास आर्मर्स होते हैं, दे आर आर्मर्ड फिशेस, दीज आर प्रिडेटरी फिशेस. एग्जाम्पल आ जाएगा किसके पास करंट होता है. ठीक है, कौन सॉफिश है, किसके पास पॉइजन होता है. तो मैं हमेशा बच्चों को याद कराती हूँ पॉइजन ट्राइगॉन. ठीक है, तो आप याद रखना टीटी में टॉर्पीडो और ट्राइगॉन में डिफरेंस रहता है. पॉइजन ट्राइगॉन ऑन ऑन थोड़ा सा राइमिंग है. ठीक है, जिसके पास ऑन ऑन नहीं है वो आपका कौन है, टॉर्पीडो. उसके पास क्या होगा, करंट होगा, तो वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है. दो ही याद रखने हैं जिसके ऊपर आर्मर के ऊपर बेसिस दिया गया है. एग्जांपल्स तो आपको पता होने ही चाहिए, स्पेशली डॉग फिश और कैटफिश. डॉग फिश इज अ कार्टिलेजिनस फिश, कैटफिश इज अ बोनी फिश. कंफ्यूजन रहता है तो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन आपकी इंटरनल होती है कार्टिलेजिनस फिशेस में, तभी वो विवीपैरी शो करते हैं. एंड कौन हेल्प करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कार्टिलेजिनस फिशेस में, आपके जो पेल्विक फिन होते हैं मेल्स में स्पेसिफिकली, वो क्लास्पर्स में चेंज हो जाते हैं, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. दीज आर फ्यू फीचर्स विच आर डिफरेंट विद नॉट any bony cartilaginous difference between bony fish and cartilaginous fish. Persistent notochord, इनके armors और इनके claspers. बाकी सब bony और cartilaginous के बीच में या तो difference है या फिर similarities है, कि सारी fishes आपकी cold-blooded होती है, सारी fishes के पास fins होते हैं. ठीक है, सारी fishes aquatic होती है, सारी fishes के पास two-chambered heart होता है, ये venous blood pump करते हैं, एक auricle और एक ventricle. ठीक है, ये common features है. बाकी differences है cartilaginous और bony. मैंने आपको सारे डिफरेंसेस बता दिए. ठीक है, कि बोनी में आपका माउथ टर्मिनल है, ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, साइक्लॉइड स्केल्स है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, ये ओवी पैरस होते हैं. एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, आपकी जितनी भी फ्रेश वाटर मरीन वाटर फिशेज है सब आपकी बोनी फिशेज है. ठीक है, मूविंग टू, आपको 20 मिनट्स, आई कैन डू इट. यस, amphibians, reptiles, aves and mammals, ये हमारे चार हैं. देखो चारों में मैंने आपको बोला चार फीचर्स आपको पता होने चाहिए, स्किन, ईयर, रिप्रोडक्शन के फीचर्स और एक एक उनका क्लासिक फीचर. ठीक है, तो amphibians की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट, और हार्ट.
हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. स्किन कैसी होती है? एम्फीबियंस की मॉइस्ट होती है, ठीक है, इस पे स्केल्स नहीं होते. एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है, स्केल्स नहीं होते. रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है, स्केली होती है. एव्स, इनकी स्किन के पास कोई ग्लैंड नहीं होता बिसाइड टेल में, प्लस इनकी स्किन के पास फेदर्स होते हैं जो कि इनको फ्लाइट करने में भी कभी कभी हेल्प करते हैं. मैमल्स की स्किन के पास स्पेसिफिकली हेयर होते हैं, तभी हम उनको बोलते हैं कि क्लासिक फीचर है. तो एक तो स्किन में डिफरेंस है. एम्फीबियंस मॉइस्ट नो स्केल, रेप्टाइल्स ड्राई स्केली स्किन, एव्स की स्किन में नो ग्लैंड्स बट यूरोपजियल ग्लैंड्स होती है टेल के अंदर, ऑयल ग्लैंड, और आपके पास फेदर्स होते हैं. मैमल्स की स्किन के पास हेयर होता है, ठीक है. फिर बात आई हार्ट की. एम्फीबियंस का हार्ट 3 chambered, रेप्टाइल्स का 3.5 chambered होता है, वेंट्रिकल आपका हाफ डिवाइडेड होता है, बट क्रोकोडाइल ऐसा है जिसके पास 4 chambered हार्ट होता है. देन एव्स और मैमल्स दोनों के पास 4 chambered हार्ट होता है, कंप्लीटली सेपरेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. स्किन हो गया, हार्ट हो गया. देन कमिंग टू रिप्रोडक्शन, हम बोलते हैं एम्फीबियंस हो चाहे रेप्टाइल्स हो चाहे एव्स हो चाहे मैमल्स हो, सब में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है. ये सब अलग अलग तरीके की फर्टिलाइजेशन शो करते हैं. एम्फीबियंस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एग लेइंग होते हैं, ठीक है. इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता है जो मेटामॉर्फोसिस शो करता है. अब बच्चे आपके बाकी सारे रेप्टाइल्स एव्स और मैमल्स सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है. इनमें लार्वल स्टेजेस नहीं होती, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं. रेप्टाइल्स और एव्स एग लेइंग है. मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो वीवी पैरस है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो दो फीचर्स हमने पढ़ लिए मैमल्स में, एक हेयर और एक प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के साथ साथ तीसरा फीचर जो मैमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनकी मैमरी ग्लैंड्स है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बाय विच दे फीड द यंग वन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो मैमल्स के ये तीन फीचर प्लस डायफ्राम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स की बॉडी. आपकी डिवाइडेड होती है अपर थोरासिक लोअर अब्डोमेन विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम. ये और किसी में नहीं है, ना एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, ना एव्स में, सिर्फ मैमल्स में. तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है मैमल्स के. हेयर हो गया स्किन पे, मैमरी ग्लैंड हो गई, प्लेसेंटा हो गया, डायफ्राम हो गया, और आपका एक्सटर्नल ईयर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओनली एंड ओनली द वंस व्हिच हैव एक्सटर्नल ईयर आर योर मैमल्स. सो हाई फाइव, मैमरी ग्लैंड्स, प्लेसेंटा, एक्सटर्नल ईयर, डायफ्राम, हेयर, ये हाई फाइव आपके मैमल्स के पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है. एक्सटर्नल ईयर सिर्फ मैमल्स के पास है और किसी के पास नहीं है, चाहे वो आपका स्नेक्स रेप्टाइल्स है, चाहे वो आपके एम्फीबियंस है, चाहे वो एव्स है, उनके अंदर ईयर इज ओनली लिमिटेड टू योर टिम्पैनम, ठीक है. इट डज नॉट हैव एन एक्सटर्नल अपियरिंग ईयर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैमल्स के पास है. ये सारे फीचर्स आर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन योर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स. कौन कौन से? हार्ट हो गया, स्किन हो गया, ईयर हो गया, और रिप्रोडक्शन हो गया. ये जो चार है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिनसे हमने इनको अलग अलग क्लासिफाई किया. अब इनके स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ लेते हैं जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. एम्फीबियंस पे क्वेश्चन बनता है उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे, कि एम्फीबियंस अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बड़े सारा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है. स्किन से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं, लंग्स से भी करते हैं, बक्कोफारिंग्स से भी करते हैं. दे हैव मेनी डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है. देन इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, दे हैव नो नेक, ठीक है. और मोस्टली इनके पास टेल भी नहीं होता. तो जो टेल वाले है वो कौन सा वाला एम्फीबियन है जिसके पास टेल है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एलिगेटर वाला सैलामेंडर, सॉरी, जिसके पास टेल है इज योर सैलामेंडर. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैलामेंडर और एलिगेटर, ठीक है. सैलामेंडर इज योर एम्फीबियन, क्रोकोडाइल इज योर रेप्टाइल. क्रोकोडाइल आईएलई रेप्टाइल, सैलामेंडर आपका एम्फीबियन है, याद रखना, टेल वाला एम्फीबियन. फिर क्वेश्चन आ जाता है जिसके पास कोई लिम्ब भी नहीं है, लिम्बलेस एम्फीबियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इक्थायोप्सिस,
ये तीन एग्जांपल्स हैं जो आपको एम्फीबियंस में याद रखने हैं. लिम्बलेस एम्फीबियन पे बहुत क्वेश्चन आता है, इक्थायोप्सिस. बच्चे पढ़ते नहीं है, जो मेजर मेजर उनको पता होते हैं ऊपर से देख लेते हैं. सारे एग्जांपल्स पढ़ने हैं, ए टू जी सारे, और उनके जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो तो जरूरी पढ़ना है, उस पर जरूर क्वेश्चन आता है. ठीक है, जितनी फोटो है, पिक्चर्स है, डायग्राम्स है, इमेजेस है, जो भी आप बोलते हो, उससे उसकी लेबलिंग से हर चीज मालूम होनी चाहिए. ठीक है, देन कम्स योर रेप्टाइल्स. ये सारे नाम, कैमिलियन, क्रोकोडाइल, कीलॉन, नाजा. ठीक है, ऐसा एक कीलॉन वाला ना मोलस्का भी है, काइटॉन. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काइटॉन इज अ मोलस्क, कीलॉन इज अ रेप्टाइल. इमेज आइडेंटिफाई प्लीज. ठीक है, कि आपका टर्टल, आपका टॉर्टोइस, आपका स्नेक, आपके लिजर्ड्स, आपके क्रोकोडाइल, सब रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं. ठीक है, इनकी स्किन कैसी है? ड्राई स्केली. ये क्रॉलिंग क्रीपिंग होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, विच आर द क्रॉलिंग क्रीपिंग एनिमल्स. द रेप्टाइल्स आर द क्रॉलिंग क्रीपिंग एनिमल्स. ठीक है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, यूजुअली थ्री चेम्बर्ड, फोर चेम्बर्ड स्केल्स आर. ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेल देयर स्केल्स, और जो स्केल्स होते हैं वो उनकी स्किन कास्ट होती है, जिनसे हम बोलते हैं कि इनकी हम लेंथ, विड्थ और इनको आइडेंटिफाई करने में जो हेल्प करते हैं. ठीक है, अगेन एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक, अब कोबरा और किंग कोबरा. कोबरा इज अ रेप्टाइल जो कि एक नाजा नाजा. ठीक है, किंग क्रैब और किंग कोबरा कंफ्यूज नहीं होना, क्रैब इज एन आर्थ्रोपोड. प्लीज प्लीज प्लीज, कौन सा पॉइजनस है? यहाँ पे मेंशनड है पॉइजनस स्नेक. एव्स के क्या फीचर्स हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, जो उनके स्पेसिफिक है? उनके विंग्स, कि फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. उनके पास बीक है. ठीक है, उनके टीथ और उनके बीक, उनके फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन से ऐसे हैं जिनके पास फ्लाइट बर्ड्स हैं, कौन से फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं? ऑस्ट्रिच आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, एमू आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, पेंगुइन. दे आर वार्म ब्लडेड, दे हैव एयर कैविटीज, न्यूमैटिक बोन्स. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, विंग्स, बोन्स, बीक, क्रॉप एंड गिजर्ड. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्रॉप एंड गिजर्ड है? आपके इंसेक्ट्स में होता है, आपके बर्ड्स में होता है, आपके अर्थवॉर्म्स में होता है, जो क्रशिंग ऑर्गन्स है. ठीक है, तो किन किन के पास गिजर्ड होगा और किसके पास गिजर्ड नहीं होगा? अप्लाइड क्वेश्चन है, तो आपको हर किसी की बॉडी में पता होना चाहिए किनके पास गिजर्ड है, किनके पास गिजर्ड नहीं है. इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स. Is this thing clear? Heart four chambered होता है. They are warm blooded. They have pneumatic bones. They have wings as modification of their four limbs, and they have feathers on their skin. They do not have any glands except the ones which is present on tail. Skin dry होती है without glands except the oil gland present at the tail. ठीक है, respiration इनकी lungs से है. ये जो नाम दिए हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली पिस्टेलूचा पे क्वेश्चन आ जाता है. ऐसा लगता है कि मोलस्क है बट है बर्ड, पैरेट को बोलते हैं, बड़ा कॉमन है. ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स यू शुड नो, ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो, पीकॉक, पैवो. प्लीज, लेबलिंग ऑफ ईच डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द टेक्स्ट. वो स्पेशली लेबलिंग से क्वेश्चन उठाते हैं कि बच्चों ने तो देखा ही नहीं होगा, इसी में से क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम एव्स विच इज स्पेसिफिक टू देम, नॉट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इज देयर एयर सैक्स. हम बोलते हैं कि इनके पास एक स्पेशलाइज रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, क्योंकि ये हवा में रहते हैं, हर वक्त सांस नहीं ले सकते, इनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, फ्लाई करना होता है, ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इनके पास एक रिजर्व होता है, एक हवा स्टोर करने के लिए इनके पास एयर सैक्स होते हैं, विच एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट टू देयर लंग्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. पेंगुइन का साइंटिफिक नाम, पैरेट का साइंटिफिक नाम, ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नाम, क्रो का साइंटिफिक नाम,
कॉमन नेम्स तो पता है, बट साइंटिफिक नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, लास्टली वी हैव मैमल्स फाइनली, एंड आई हैव टाइम. चले, सब कुछ मालूम है हमें इनके बारे में. इनके हाई फाइव पता है, मैमरी ग्लैंड्स, हेयर, वीवी पैरस, एक्सटर्नल ईयर, डायफ्राम, ये तो इनके फीचर्स हैं. इसके अलावा हमें क्या पता करना है कि जो इनके क्लासिक फीचर्स हैं, आपकी क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, इन सब के लिए इनके लिम्स मॉडिफाइड है. क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर आपको उनके लिम्स मॉडिफाइड मिलते हैं फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग. और एग्जाम्पल्स भी पता होता है कि फ्लाइंग वाला कौन है, आपका बैट. ठीक है, स्विमिंग वाले आपके कौन से हैं, आपके वेल, डॉल्फिन. देन ऑर्निथोरिंकस अगर दिया हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए दिस इज योर डक बिल्ड प्लैटिपस. एंड ये डक बिल्ड प्लैटिपस और स्पाइनी एंट ईटर आपके एवोल्यूशन से लिंक कर लीजिए. दीज आर योर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन योर रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर ओवो वीवी पैरस, या हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे प्रोटोथीरियंस हैं. मैमल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस, यूथीरियंस. प्रोटोथीरियंस जो कि एग लेइंग है, मेटाथीरियंस जो कि पाउच्ड है, आपके मार्सुपियल, आपका कैंगरूज, आपके यूथीरियंस जो कि आपके ट्रू मैमल्स हैं, जिनमें आपको अलग अलग मॉडिफिकेशंस देखने मिलती है, जैसे कि आपका बैट हो गया, आपके अक्वेटिक हो गए, ये सब ट्रू मैमल्स हैं. तो ये तीन छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स दो, डक बिल प्लैटिपस और ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं, स्पाइनी एंट ईटर हम उसको इकिडना बोलते हैं. आपको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, आपके एवोल्यूशन में पढ़ते हो, कनेक्टिंग लिंक. ठीक है, आपके मैमल्स के फीचर्स, हेयर हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हिटीरोडोंट डेंटिशन जिसको हम बोलते हैं. इनका फोर चेम्बर्ड हार्ट कॉमन है बर्ड्स के साथ, होमोथॉर्म्स है ये, वार्म ब्लडेड है, कॉमन है बर्ड्स के साथ. ठीक है, तो कुछ फीचर्स कॉमन भी हैं कि ये वार्म ब्लडेड बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड है, फोर चेम्बर्ड बर्ड्स भी फोर चेम्बर्ड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करते हैं बर्ड्स भी करते हैं, मैमल्स भी करते हैं. ठीक है, दे हैव वीवी पैरस, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट. आपको साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, स्पेशली कैट फेलिस फैमिली, डॉग कैनिस फैमिली, रैट रैटिस, साइंटिफिक नेम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मेंशन किया हुआ है स्पेशली कि आपका ओवी पैरस है और नीथोरिंकस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. मैक्रोपस आपका केंगारू, आपका पाउच है, इट्स अ मेटाथीरियन. ओवी पैरस इज प्रोटोथीरियन, बाकी सारे आपके यूथीरियंस है, प्लासेंटल मैमल्स है. ठीक है, ये सारा एक छोटा सा ब्रीफ दे रखा है उनके क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन. यही क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन उठाते हैं ये, जो जो यहाँ पे लिख रखा है. बॉडी विद पोर्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, नीडोप्लास्ट किसके पास होते हैं, कॉम प्लेट्स किसके पास होते हैं, हुक्स एंड सकर्स किसके पास होते हैं, वर्म शेप इलोंगेटेड बॉडी जो कि सर्कुलर इन डायसेक्शन है. ठीक है, रिंग्स वाली बॉडी, जॉइंटेड अपेंडेज वाली बॉडी, शेल वाली बॉडी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाली बॉडी, वर्म लाइक प्रोबोसिस वाली बॉडी, ये सब फीचर्स जो यहाँ मेंशन है ना, इसी से क्वेश्चन बनाते हैं. तो प्लीज अपने टेबल्स तो अच्छे से याद कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो 7:35 and we're through with animal classification. Yes, hooray. हाँ जी, now you can shoot with your doubts. मैं question कल पूछूंगी सुबह 8 बजे. जिसको question करने हैं तो please come to us at 8 o'clock tomorrow morning.
तब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. द वंस हु हैव द प्राइम सब्सक्रिप्शन कैन कम टुमारो लाइव एंड दोज हु डू नॉट हैव क्विकली सब्सक्राइब. इट इज हार्डली ऑफ एनी मनी. 900,000 रुपीज क्या मैटर करते हैं, तीन बार पिज्जा खा लोगे. बच्चे इकिडना इज पानी एंड ईटर. इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. इट्स अ ओवी पैरस जस्ट लाइक डक बिल प्लैटिपस. किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम इज नाजा हुना. दोज हु डोंट वॉन्ट टू टेक एनी डाउट्स वी आर थ्रू यू कैन लीव. जिसको डाउट है वो रुकी, जिसको डाउट नहीं है अगेन मैं बता दे रही हूँ कल सुबह 8 बजे हम लाइव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. जिनके पास सब्सक्रिप्शन है सिर्फ वही आ सकते हैं. तो प्लीज क्विकली सब्सक्राइब इफ यू लाइक द लेक्चर, लाइक इट बिफोर लीविंग. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस every possible question, every technique tomorrow. ठीक है, you may go if you don't have any doubts. I am through with discussing the chapter. आपके notes, आपके NCERT marking आपको telegram channel पे मिल जाएंगे. Questions नहीं मिलेंगे. अगर टेलीग्राम आईडी में कुछ दिक्कत है तो वील अगेन क्रॉस चेक द डिस्क्रिप्शन. डोंट वरी, जितना भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू माई नॉलेज दे आर ऑल करेक्ट. साइंटिफिक नेम स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, फ्लाइंग फॉक्स. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही थी आपको कि आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लाइंग के लिए कौन कौन अडेप्टेड है. बैट भी फ्लाइंग के लिए अडेप्टेड है, उसमें भी उसके जो फोर लिम्स है दे आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स. सुबह की पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, सिर्फ ऐप में मिलेगी. यस, Porifera have an asexual mode of reproduction. Besides fragmentation, they reproduce by gemmule formation, जिसको आप internal budding भी बोलते हो. Reproduction in organisms, 12th, first chapter. बच्चे, silverfish is an arthropod. Silverfish कैसी दिखती है? I'll show you. Don't worry. अभी जाने से पहले I'll show you. Silverfish silver color की होती है, insect होती है. ठीक है, और इंसेक्ट तो नहीं, इट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास. हम बोलते कि ये आर्थ्रोपोड है. तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए सिल्वर फिश कैसी है, सिल्वर फिश इज एन आर्थ्रोपोड. इट्स अ विदाउट विंग्स वाला आर्थ्रोपोड. ठीक है, यूजुअली आपको जितने आर्थ्रोपोड्स पता है, इंसेक्ट्स पता है, सबके पास विंग्स होते हैं. बटरफ्लाई के पास, कॉकरोच के पास. ये बिना उड़ने वाला आर्थ्रोपोड होता है सिल्वर फिश. सिल्वर कलर का होता है. ठीक है, उसकी बॉडी फिश की शेप की जैसी होती है, बट इट्स एन आर्थ्रोपोड. लिविंग फॉसिल्स बता दूं, ओके, पेरिपैटस इज अ लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब इज अ लिविंग फॉसिल, स्फिनोडॉन इज अ लिविंग फॉसिल, किमेरा, ठीक है, इज अ लिविंग फॉसिल. किमेरा इज अ लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर बोनी एंड कार्टिलेजनस फिशेस. इवन योर लैटिमेरा, ठीक है, जो अफ्रीकन सीलोकैंथ है, जो कि आपके बायोडाइवर्सिटी में भी आता है, ठीक है, विच एक्टेड एज अ एलियन स्पीशीज, वो भी एक लिविंग फॉसिल है. ठीक है, प्रोटोप्टेरस एक कनेक्टिंग लिंक है, कुछ लोग उसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं. लंग फिशेस, प्रोटोप्टेरस. ठीक है, फर्स्ट नर्वस सिस्टम केम इन योर प्लैटीहेलमिंथ्स. हम कह सकते हैं कि निडेरिया या सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं जिनके पास ब्रेन तो नहीं है, बस नर्वस सेल्स हैं. तो अगर सिर्फ सेल की बात करी जाए तो नर्वस सेल निडेरिया के पास भी होता है. आपकी जो स्टिंग सेल्स है एक तरीके के सेंसरी सेल्स है. क्रेफिश इज ऑल्सो एन आर्थ्रोपोड, सिल्वर फिश इज ऑल्सो एन आर्थ्रोपोड. लिविंग फॉसिल्स बता दिए. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज. टीरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, बैट इज ऑल्सो अनदर फ्लाइंग मैमल. That's it. No doubts. Thank you so much, Mansi. जो आपकी UITS टेस्ट सीरीज है बेटा, इट इज ओनली फॉर द सब्सक्राइबर्स. मेरे सारे उड़ानियन जो मेरे काइट
ऑटोमेटिकली मेरे निकलता है. काइट बैच, द्रोन बैच, ईगल बैच, विश्वास बैच, यू ऑल हैव एक्सेस टू योर टेस्ट सीरीज, प्लीज गिव देम. और ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो. ट्रू फिशेस कौन सी है? कैटफिश ट्रू फिश है, डॉग फिश ट्रू फिश है, सी हॉर्स ट्रू फिश है, स्टिंग रे ट्रू फिश है, सारी रेज, स्केट्स, ये ट्रू फिशेस है. हार्ट हमारा टू चेम्बर्ड हार्ट फिशेस के पास होता है, थ्री चेम्बर्ड एम्फीबियंस के पास होता है, थ्री एंड अ हाफ रेप्टाइल, एक रेप्टाइल जिसके पास फोर चेम्बर्ड है क्रोकोडाइल, फोर चेम्बर्ड हार्ट दो लोग के पास होता है, एव्स और मैमल्स. आई एम सॉरी आयुषी, क्वेश्चंस ओनली इन ऐप. बट ये रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट माने पीछे की तरफ भागना है ना, पुराना फीचर लेके आना. अब कल को मैं बोलू कि आईफोन है, आईफोन 10 आया, एक्स आया, जो भी आया, अब उसके अंदर मैं कोई मॉडर्न फीचर हटा के सिर्फ आईफोन 1 का फीचर रखू तो क्या बकवास फीचर है, तो 1 में था. तो वो जो बकवास बात होती है ना, पुरानी होती है, प्रिमिटिव होती है, उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव फीचर आ गया, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कर दी, घटिया कर दी क्वालिटी, वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जो आपके स्टार फिशेस शो करते हैं बाय शोइंग रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट. कौन बायलेटरल शो करते हैं स्टार फिशेस में या इकाइनोडर्म्स में? लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. यस बैट वीवी पैरिस है. बेटा जो यूरोकॉर्डेट्स है, मैंने स्पेशली जो आपके नोट्स लिखे हैं उसमें यूरोकॉर्डेट्स को एक्सप्लेन किया है, उनकी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है कि जो उनका लार्वा है ठीक है वो ऐसा दिखता है और जो उनका एडल्ट है वो ऐसा दिखता है. ठीक है, तो उनके लार्वा और एडल्ट में जो डिफरेंसेस है वो बेसिकली उनके फारेंजियल पाउच के हैं, कि फारेंजियल पाउच लार्वा में छोटा सा होता है बट एडल्ट में इतना बड़ा फारिंग्स होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम लार्वा में बड़ा होता है बट एडल्ट में छोटा हो जाता है. आप एग्जैक्टली इसको रेट्रोग्रेसिव नहीं बोल सकते. दिवांशु यू आर वेरी लेट. हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग 8 AM क्लास? Please communicate on my personal Telegram. I do not communicate in groups or the app chat because आप अच्छी बातें नहीं करते हो. How to make flashcards? Use घर के पुराने visiting cards. एक line, दो line, maximum 3 words. Punch them keychain में डाल दो. Topic wise बनाओ. Fish के अलग बना लो. या इनवर्टिब्रेट के या सिर्फ क्वेश्चंस के. मैं रेट्रोग्रेसिव फ्लैश कार्ड बनाती थी. माने मैं क्या करती थी, जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे तो जो मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मान लो एक ही कॉन्सेप्ट पे उस पर 10 बार क्वेश्चन आया तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फ्लैश कार्ड बना लेती थी. जैसे कि परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, तो ये तो जरूर आएगा ही आएगा. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लैश कार्ड बनाती थी स्पेशली क्लासिफिकेशन से. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को लिख लो, उसका फ्लैश कार्ड बना लो और फिर वो सारे फ्लैश कार्ड्स को पंच करके कीचेन में डाल लो, विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिख लो. जितना एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर आ सकता है ना उतना ही होना चाहिए फ्लैश कार्ड पे. एक लाइन, एक वर्ड, एक डायग्राम. आई हैव गिवन अनसॉल्व PDF लास्ट टाइम, अनसॉल्व भी सॉल्व भी दोनों. Yes, protocordates includes urocordate and cephalocordate, जिसमें notochord vertebral column नहीं बनाते. हम biomolecules में keratin protein पढ़ेंगे, हम locomotion में wishbone पढ़ेंगे. अंशु आई होप अभी आपका क्लियर होगा होगा urocordate, protocordate. Very thank you for attending. विवेक जाने से पहले लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो. जीशान हम अनसॉल्व PDF देंगे बेटा ऐप में, दोनों सॉल्व अनसॉल्व.
जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे बेटा हाईलाइट तो तभी करेंगे, बिकॉज आई जो क्लासेस में एनसीईआरटी पढ़ाई थी वो नहीं है, ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए दोबारा से रीमार्क करती हूँ। बताओ ना एग्जाम्पल याद कैसे करें, गाना बना लो और उसको रिकॉर्ड कर लो और रात को सोते वक्त उसको रिपीट मोड में सुनो, है ना, बी पर आके गाने मत सुनो, इसको सुनो। हर किसी के पास कोई ना कोई स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होता है बेटा। एक सेंसरी ऑर्गन जो तुम्हें बताना भूल गए, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टैटोसिस्ट। आर्थ्रोपोड्स में सबसे पहले देखा जाता है, बैलेंसिंग ऑर्गन है यही स्टैटोसिस्ट, लेटरल लाइन सिस्टम के फॉर्म में फिशेस में पाया जाता है बैलेंसिंग के लिए। सोनोरियन, अब पता लग गया कि हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, तो वो जो एंटीना है वो उसके सेंसरीज के लिए है। बेटा ऑस्टिया छोटे छोटे पोर्स है जिससे पानी एंटर करता है पॉरीफेरा में, ऑस्क्यूलम एक बड़ी ओपनिंग है जिससे पानी एग्जिट करता है। आयुष, एज इट सूट्स यू। थैंक यू लावण्या, मोस्ट वेलकम। एनीथिंग एल्स दैट कैन आई हेल्प यू विथ? इकाइनोडर्म्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इकाइनोडर्म्स अगर एक्सक्रीशन करते हैं तो इधर थ्रू देयर सरफेस पोर्स और थ्रू देयर वाटर वैस्कुलर सिस्टम। मोस्टली ऑल मैमल्स, यस, डायफ्राम इज प्रेजेंट। फॉर मी ऑल बुक्स आर द सेम। आई वुड से किसी रेफरेंस बुक को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पक्की कर लो, फिर कोई भी उठा लो, सारी 1921 एक ही जैसी है। पहले एनसीईआरटी तो पक्की कर लो, 80% 90 तो पक्की कर लो, 80% नंबर, उसके बाद कोई बुक उठाना। एंड यू ऑल नो 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, तुम 80% ही लगा लो। 80% माने 400 नंबर भी अगर तुम लगा लोगे तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर एडवांसमेंट है, ईयर आपकी सेंसेस है, कैप्चर करने में हेल्प करती है। बेटा नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मल स्ट्रक्चर व्हिच डेवलप्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम। नर्व कॉर्ड इज योर नर्वस सिस्टम का पार्ट व्हिच इज लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इन वर्टिब्रेट्स में हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं, बट वर्टिब्रेट्स में हम उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इट्स अ नर्वस सिस्टम, ठीक है। कॉर्डेट्स में इट इज अ अडेप्टेशन, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। नोटोकॉर्ड इज डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। ओके अजीत, इफ यू आर अ सब्सक्राइब मेंबर, जयंत, आप किसी ना किसी ग्रुप में एडेड हो गए बायोलॉजी के, उसमें आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से ओरिजिन करती है। मेटाजेनेसिस इज द फीचर ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा इन सीलेंट्रेट्स। ऑल बुक्स आर गुड, किसी एक को उठाओ उसको 10 बार कर लो बस। जैसे डॉक्टर प्रवीण बोलते हैं, 10 चीजों को एक बार करने से अच्छा है एक चीज को 10 बार करो। आई ऑल्सो फॉलो द सेम। ऑस्ट्रिच अपना मुंह जमीन में इसलिए छुपाता है क्योंकि उसको कहना नहीं चाहिए, बट हम बोलते हैं कि वो डरपोक होता है, वो चीजों से भागता है, यू नो, इट ट्राइज टू हाइड इटसेल्फ इन एक्सट्रीम कंडीशंस। सो डू नॉट डक लाइक एन ऑस्ट्रिच, कहते हैं, कहावत है। मेटाथीरियंस आर पाउच्ड एनिमल्स, प्रोटोथीरियंस पाउच्ड मैमल्स, एंड प्रोटोथीरियंस आर एग लेइंग मैमल्स। बेटा मेटास्टेसिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स स्प्रेडिंग। मेटाजेनेसिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा इन सीलेंट्रेट्स। ओके मीत, यू मोस्ट वेलकम। सुकन्या, मोस्ट वेलकम। नीदा, थैंक यू। अभी क्लियर है आदर्श?
Thank you so much, Dhyaneshwari. If you really liked it, please hit the like button. Tell everybody. Spread the word. King crab, kaisa animal hai? It's a living fossil. Limulus. Ventral heart is present in invertebrates. I'm telling you, biology mein ki is retrogressive study. Solve past year questions, solve questions, learn how to solve questions, then वहां से उठाओ important concepts और फिर उनके flashcards बनाओ और फिर उनको revise करो. ये तरीका होना चाहिए. Instead of कि 10 reference book पढ़ो, detail में theory पढ़ते रहो और question लगाना नहीं है. Technique to do questions is very important. And you can only learn the techniques when you are guided by somebody. है ना. एंड आई फील कि जो हम सुबह 8 बजे क्वेश्चंस करते हैं उससे अच्छा टेक्निक आपको नहीं मिल पाएगा. सो इफ यू रियली रियली वांट टू लर्न हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स इजीली जॉइन अस टुमारो एट 8 AM. कॉर्निफाइड माने आपको पता है ना स्किन की 5 लेयर्स होती हैं, है ना. आपका स्ट्राटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर वाला होता है जिसके अंदर केराटिन लेयर होती है, तो कॉर्निफाइड माने ड्राई स्केली स्किन. Ravi, all the Udanians who have already subscribed, ठीक है, have an access to Saksham batch. देखो monocondylic और dicondylic याद करने का वैसे तो अब उस पर क्वेश्चन आता नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज monocondylic dicondylic याद करने के लिए alternate याद कर लो. मैमल्स के पास dicondylic skull होता है. मैमल्स से पहले कौन है? एव्स. monocondylic. एव्स से पहले कौन है? रेप्टाइल्स. dicondylic. रेप्टाइल्स से पहले कौन है? एम्फीबियंस. मोनोकोंडाइलिक. तो ऐसे याद कर लो. यस निर्भय. थैंक यू जीशान. यस मॉर्निंग शार्प एट 8 सौम्या. आई एम गोना सी यू. एनीथिंग एल्स दैट कैन आई हेल्प यू विद? एनी अदर डाउट? एज आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू टेक डाउट्स फ्रॉम 7:42. मैंने 7:35 ही खत्म कर दिया था बेटा. डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जिसके अंदर आपका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर डायरेक्ट फीटस और यंग वन. माने उसमें कोई ऐसा फॉर्म नहीं होता जो कि एडल्ट फॉर्म से रिजेंबल ना करता हो. जो फीटस या यंग वन है इट इज सिमिलर टू दी एडल्ट. माने उसकी भी 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपके यंग वन के पास टेल होगी और एडल्ट के पास नहीं होगी. तो यंग वन एंड एडल्ट आर सिमिलर इन फीचर्स. कोई ऐसा मॉर्फोलॉजिकल खासा डिफरेंस नहीं होता. वैसी डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल फॉर्म होती है विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. और फिर वो धीरे धीरे डेवलपमेंटल चेंजेस करके मोल्टिंग करके एडल्ट में बनता है जिसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. आदर्श आई टोल्ड मेटाथीरियंस आर पाउच्ड, प्रोटोथीरियंस आर एग लेइंग मैमल्स. क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल साइक्लोस्टोम्स आर पैरासाइट? देखो ऑल वर्ड तो बायोलॉजी में हम कभी नहीं करते, हमेशा मोस्टली वर्ड करते हैं या मोस्ट ऑफ देम करते हैं बिकॉज देयर इज सम ऑफ द अदर एक्सेप्शन. नहीं कल मेंटी क्विज से क्वेश्चन नहीं करूंगी. परफोरेटेड फैरिंग्स एज सच कुछ नहीं होता. हम बोलते हैं फैरिंग्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं या स्लिट्स होते हैं जो गिल स्लिट्स की तरह एक्ट करते हैं. आदर्श कितनी बार पूछोगे मेटाथीरियन प्रोटोथीरियन? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. कुछ बच्चों को लिख लिख के याद होता है तो आप लिख सकते हो. अगर आपको सिर्फ देख के फोटोजेनिक मेमोरी आपकी तो आप सिर्फ उसको प्रिंट आउट करके या सिर्फ देख कर भी पढ़ सकते हो. टोटली योर कॉल. पर्सनल प्रेरोगेटिव होता है, हर किसी का अलग होता है. बच्चे बाय, गुड नाइट. चले सो वी कॉल इट अ डे. So once again, before I leave, I'm telling you on YouTube, you can learn
द टॉपिक, यू कैन रिवाइज द टॉपिक ब्रीफली, बट उस टॉपिक को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, विच वी कम एवरी डे, एंड यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू अ टेस्टिंग सिचुएशन. आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट में कैसा रहता है, आप एंशियस होते हो, आपको कैसे उसको ओवरकम करना है. तो आपको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं. आपके पास 10 टॉपिक वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज आपके पास 5 फुल लेंथ टेस्ट है जो हमारी टेस्ट सीरीज है. Please, please practice question. Put yourself into a testing situation. जब तक अपने आप को गर्म पानी में, वो कहते हैं ना, until and unless you are put into warm water, you don't get to know कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो. तो वैसे ही कि जब तक टेस्ट दोगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कि कितने मार्क्स आ सकते हैं. ठीक है, सो टेस्ट सीरीज है, आपको मालूम है 90 डेज आपको रोज आना है. जितने लोग एंड तक एवरी डे आएंगे, है ना, जो ये बोल रहे थे ना मैंने मिस कर दिया था या मिस हो गई थी या रह गई थी, उनके लिए मैं गारंटी नहीं लेती, बट एवरी डे एट 6 इफ यू कम फॉर दीज 90 डेज, ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इज रिवाइज्ड एंड श्योर शॉट यू विल इंक्रीज योर मार्क्स एंड यू कैन गेट सिलेक्टेड. वो आपके हार्डवर्क पे है बेटा, है ना. So, here is where I end my lecture. Here is where I halt. I'll see you all tomorrow at 8 o'clock. And please, if you did like the lecture, like, subscribe and share. So, good night from my end. Take very good care of yourself. Stay healthy. Stay home. Please be safe. And hasta la vista.